सबको मेरा नमस्कार। आदि मानव के जमाने में हम अपने पैरों पर चलते थे। चलने का वो सफर जो शुरू हुआ था, आज कार बस से डेवलप होकर फ्लाइट रॉकेट तक पहुंच चुका है। लेकिन आज भी आम जनता ट्रेवल के लिए ट्रेन को ही पसंद करती है। चेन्नई जैसी बड़ी सिटी में ट्रेन ही मनपसंद ट्रांसपोर्ट है, और ये रेलवे स्टेशन फोर्स यानी रेलवे सुरक्षा बल। आज अगर हम ट्रेन में सुरक्षित सफर कर रहे हैं तो उसकी वजह ये लोग हैं। और आज हम जो कहानी देखने वाले हैं उसके हीरो हैं विलियम्स। ये विलियम्स हैं, इनको देखकर पूरा स्टेशन हिल जाता है। लेकिन इन्हें एक बहुत बड़ी एलर्जी है, और वो है जनता। इसकी भी एक वजह है, और वो वजह है पंचर जल्दी बनाना, निकलना मुझे। साहब बना रहा हूँ ना, थोड़ा टाइम लगता है। जब देखो घोड़ी पे चढ़े रहते हैं। ए बाला, देख जरा गाड़ी में क्या खराबी है। पहले ये काम तो खत्म कर। अरे रुको, कर रहा हूँ ना। अरे मुझे देर हो रही है। सर अपने ये साहब अगर लेट हो गए ना तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा, आपके नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा रुकिए सर। मुझसे ज्यादा इज्जत उसको दे रहे हैं। सिटी पुलिस को और ट्रैफिक पुलिस को देखकर इज्जत देने वाली पब्लिक हमें इज्जत क्यों नहीं देती, इसकी वजह से ये पब्लिक से नाराज रहते हैं। उसी वजह से स्टेशन में थूकने वाले और लेडीज कंपार्टमेंट में सफर करने वाले और रेलवे ट्रैक क्रॉस करने वाले इस तरह की छोटी मोटी गलतियां करने वालों को पकड़कर स्टेशन पर लाकर बिठा देते हैं और चार्ज शीट बनाकर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर देते हैं। डेली सफर करने वालों को लगता है कि ऐसी गलतियों पर सिर्फ 300 रुपए का फाइन ही तो लगता है, लेकिन ये छोटा सा फाइन भरने के लिए सुबह से लेकर शाम तक बिठाकर उनका टाइम बर्बाद कर देते हैं। इस तरह से पब्लिक का टाइम वेस्ट करने के बाद ही उसको पता चलेगा कि रेलवे पुलिस का पावर क्या है। ये इनका मानना है, कोई डरा नहीं, इज्जत नहीं दी तो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे हमारे विलियम्स। सर, 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 क्या हो रहा है यहाँ पे? सर वो आज सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ा तुम लोगों ने? चेन्नई ट्रैफिक पुलिस के टोटल केस 921 है, और उन लोगों ने जो अमाउंट कलेक्ट किया है 270,000 है, और हम लोग रेलवे पुलिस वालों को तो कोई इज्जत नहीं देता है। और ट्रैफिक पुलिस को देख के लाइसेंस दिखाते हैं, आरसी बुक दिखाते हैं। क्यों? ट्रैफिक पुलिस को दूर से देख के ही हेलमेट लगा लेते हैं। उन लोगों के सामने हमारी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए आज के बाद हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे। ट्रेन में विदाउट टिकट ट्रेवल करने वाला, ट्रेन में भीख मांगने वाला, स्टेशन को गंदा करने वाला, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको अरेस्ट करो। Yes, sir. तुम उधर जाके देखो। Hey! क्या कर रहा है? इधर आ। मुझे बुला रहे हैं क्या? सर हम लोग भी चलते हैं सर। अरे सर है ना वहाँ पर, हम जाके क्या करेंगे? अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें सस्पेंड कर देंगे सर। अरे ऐसा है क्या? चलो चलते हैं। ए, रुक जा। ए, मैं कह रहा हूँ रुक जा। कितना फास्ट भाग रहे हैं, हम नहीं भागा जा रहा है। कहाँ भाग रहा है? बहुत भाग रही है तो। अरे बाप रे सर, मुझे छोड़ दो सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं आतंकवादी नहीं हूँ सर। सर मुझे छोड़ दो सर। सर 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 प्लीज सर, सर मुझे छोड़ दो सर। तूने ट्रैक पर पेशाब किया था ना? सर ट्रैक पे ही पेशाब किया था सर। तू ऐसे जवाब देगा? चलो उठ उठ उठ। अरे सर मैंने क्या किया सर? सर पेशाब ही तो किया सर। मुझे छोड़ दीजिए सर। रेलवे ट्रैक पर पेशाब करता है, मुझे छोड़ दीजिए। बंदर फरार है, चिल्ला मत। जहाँ मर्जी वहीं पेशाब करते हैं गधे कहीं के। सर पेशाब ही तो किया सर। कैसी है यह पुलिस, पेशाब करने पे शूट करती है? ट्रेन के अंदर किया हुआ पेशाब भी तो ट्रैक पे ही गिरता है ना। सफाई के बारे में इतना सोचने वाले, हर जगह टॉयलेट बना के रखना चाहिए था ना। हर जगह बाथरूम ही नहीं, बेडरूम भी बना कर देंगे वीआईपी। गधे की तरह ही नाम, चुपचाप शांति से अंदर बैठा रहे। इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हेलो। हाँ सर, यहाँ कोई मेरी बातों पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा? जब यहाँ आया था तो तेरी तरह ही चिल्लाया था, मुंह में दर्द हो रहा है, खामोश बैठा है। बॉस आपका नाम क्या है? भास्कर, फिल्म डायरेक्टर। सर आपने कौन सी फिल्म बनाई है? अभी बनाने वाला हूँ। आप कभी आए यहाँ? यहाँ मैं ही पहले आया। अरे ट्रेन जा रही है, चल 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 चल। अरे रुक रुक रुक, क्या हुआ? टिकट नहीं निकाला यार।
अबे तेरे 5 रुपए से देश का उधार नहीं चुकेगा, कोई विकास नहीं होने वाला है, पागल के क्या? चल। अरे, अरे मेरी बात सुन, बात सुन मेरी। एक बार कदम बढ़ाएंगे तो पीछे नहीं हटा, आजा। बिना टिकट थे। अच्छा इनमें से आपका दोस्त कौन सा है बॉस? उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा। क्यों बॉस, उसे भी फंसा देना चाहिए था ना, अब कम से कम आपको यहाँ एक कंपनी मिल जाती बॉस। सच्चे दोस्त को धोखा देने वाला जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रहता। सुपर बॉस, आप तो मेरे हीरो की तरह बात कर रहे हैं। जी आप। किट्टू पांडे, बॉलीवुड स्टार शशि कुमार के यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट। जी, आज आपके हीरो की फिल्म रिलीज है। हाँ बॉस, उसी फिल्म के रिलीजिंग में मैं बिजी था, तभी इन लोगों के हाथ लग गया। ए, इधर पोस्टर चिपकाओ। भाई, उधर पोस्टर चिपकाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। ए, ये ट्रेन कहाँ जा रही है पता है ना? पूरे तमिलनाडु में मैंने पोस्टर चिपकाए हैं, इस ट्रेन में पोस्टर चिपकाएंगे तो दिल्ली तक पहुंचेगा। चिपकाओ पोस्टर, चिपकाओ। हाँ थोड़ा सीधा रखना। हाँ। अरे क्या कर रहे हो? ए, ट्रेन में पोस्टर चिपका रहे हो? तेरी तो भाई आपको भी भाग जाना चाहिए था ना। हमारी यूनियन का नियम है, दोस्त का दोस्त भी हमारा दोस्त होता है। मैंने सोचा पुलिस भी हमारी दोस्त ही है, लेकिन ये लोग पीठ पर वार करेंगे मैंने सोचा नहीं था। ब्रदर, पूरा दिन यूनियन का काम करते हो? आधा दिन मैकेनिक का काम करता हूँ। वेरी गुड, आज का होनर ही हमेशा रोटी देता है, करते रहो। सर ये कौन है सर? इनका नाम है कोडीश्वरन, कभी दुखी नहीं होने वाले नौजवान। सर ये शशि कुमार के फैन है और ये शिवा कार्तिकेयन के फैन है। अरे ये जगह तो फैन लोगों से भरी हुई है। हु? इस शिवा कार्तिकेयन स्विस बैंक में इनका अकाउंट है क्या? मैं उसे पहचानता नहीं और तुम मुझे उसका फैन कह रहे हो? वो एक आर्टिस्ट है सर। आर्टिस्ट यानी चित्र बनाता है क्या? जैसे बच्चे रजनीकांत को पसंद करते हैं ना, उसी तरह शिवा कार्तिकेयन को भी पसंद किया जाता है सर। ओहो, एनीवे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आज हॉलीडे था इसलिए आम आदमी की तरह ट्रेन में ट्रेवल करने गया था। हैवी क्राउड में लोग कैसे ट्रेवल कर लेते हैं समझ में नहीं आता। रॉड पकड़ के सब लोग खड़े थे तो मैं भी खड़ा था, पता नहीं यहाँ क्यों लिया। सर रॉड पकड़ने के लिए आपको अरेस्ट किया है क्या? यस। देखो ना ब्रदर, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे अरेस्ट क्यों किया, लेकिन जब उनको अपनी गलती का एहसास होगा तो अपने आप छोड़ देंगे। ए, ए, चलो यहाँ से। अंदर जा। ए, अपने सारे लोग ठीक से काम कर रहे हैं ना? हाँ सर। क्या तू हर बात में हाँ हाँ करता रहता है? स्टेट पुलिस को देख के पब्लिक डर रही है, सिर्फ इतने से बात नहीं बनने वाली। हमारी जो पावर है उसका भी पता लोगों को ठीक से चलना चाहिए। अपने पास किसी से कम पावर नहीं है, समझा ना? ये बात दिमाग में रखेगा तो पब्लिक डरेगी। ठीक है सर। सर वो कौन है सर जो उस तरफ पलट के बैठा है? मच्छर, यहाँ आते ही पूछा था, जवाब नहीं मिला, मुझे तो नहीं दिया था, तुम पूछ कर देखो शायद दे दे। अरे उनको छोड़ो बॉस, ये सर मेरे जैसे बड़े बिजनेसमैन है। ये बताओ रिटेल में पटरी बेचते हो या होलसेल में? दोनों करता हूँ सर। कोई प्रॉब्लम नहीं होती? बिजनेस में तो प्रॉब्लम होती रहती है ना, जब भी प्रॉब्लम होती जम मारकर भाग जाता हूँ, ये सब चलता रहता है। रेलवे की पटरियों को सप्लाई करने वाला आप यहाँ कैसे पहुंचे सर? सुन, रेल की पटरी ही नहीं डिब्बे भी बेच देता है, एक नंबर का चोर है। मुझे लगा ही था। एक बात बताइए, पटरियों को चुरा कर आप क्या करते हो? स्कूल कभी गए हो? आपका पटरी चुराना और मेरे स्कूल जाने का क्या संबंध है? स्कूल में ट्रिन 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 घंटी बजाते हैं ना, वो सब अपने आप आता है क्या? वो सब मैं सप्लाई करता हूँ। अरे यार मैं इसके सामने बेइज्जत हो गया। यहाँ सब लोग हंस रहे हैं, तू दुखी क्यों है? 2 साल से जिस जॉब के लिए ट्राई करा था, आज उसका अपॉइंटमेंट लेटर मिला था मुझे। मुझे ज्वाइनिंग करनी थी, जल्दबाजी में टिकट नहीं ले पाया और मुझे पकड़ कर लिया। अगर आज मैं वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाया तो मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी सर। इस हैवी क्राउड के अंदर जाने के लिए जगह भी नहीं थी। या तो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए या ट्रेन के कंपार्टमेंट बढ़ानी चाहिए, दोनों फैसिलिटी नहीं तो हम क्या करें? सर इसके लिए आप फील मत कीजिए सर, उनका एक टारगेट होता है कि इतने लोगों को पकड़ना ही है। अब इस भाई साहब को देखिए, ये कहीं और बैठकर शराब पी रहे थे, इनको यहाँ उठा लें बोलते कि ट्रैक पर बैठकर पी रहे थे।
बाहर देखो दूसरी ट्रेन भी आ गई है। सर मुझे पांडिचेरी जाना है। चलो प्लीज सर मेरी गाड़ी निकल जाएगी। देखिए सर प्लीज मुझे अर्जेंटली पांडिचेरी पहुंचना है। मेरा हाथ छोड़िए। अरे मैं कह रहा हूँ ना छोड़िए सर। सर प्लीज सर चल 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 चुपचाप चल 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 जल्दी होशियार चल रहे हो। चल चल सीधा चल चल चल। नमस्ते सर। ए, पीक आवर्स में पॉपकॉर्न नहीं बेचना है। कितनी बार समझाऊं तुझे? नहीं बेचूंगा सर। चल 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 सर। ऐसे नहीं मानेंगे। क्या किया इसने? सर सीडी की चोरी करता है। इधर आ तू। इधर आ। हां आजकल सीडी बंद हो गया है। तुम लोगों की वजह से कितनों का नुकसान होता है पता है? चोरी और सीना चोरी। मारने का नहीं साहब। सर सर इसने क्या किया है? सर विदाउट टिकट था और भाग भी रहा था। भाग रहा था तो इतने प्यार से क्यों लेके आ रहा है? मारना चाहिए था ना सर। मुझे अर्जेंटली जाना है। प्लीज सर छोड़ दीजिए। इन लोगों का फोन ले लिया ना? इन लोगों का ले लिया सर। ए, फोन इधर ला। चल फोन दे इसको। सर प्लीज सर मेरी बात मानिए सर। फोन दे। सर अगर आप चाहो तो मैं फाइन भर देता हूँ। मुझे सर मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझे अर्जेंटली पांडिचेरी जाने के बाद सब अर्जेंटली बोल रहे हैं। सर मुझे अर्जेंटली जाना है। प्लीज सर सर मेरी बात मानिए ना सर। अंदर लेके जा। सर प्लीज सर अंदर लेके जा। सर सर चल जल्दी तो कान छोड़ के बजाऊंगा। चल सर आप चाहो तो मैं फाइन भर देता हूँ। सर फाइन भरेगा सर। थोड़ा ज्यादा फाइन ले लीजिए लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। सर सर दरवाजा मत बंद कीजिए। सर सर प्लीज सर मेरी जिंदगी का सवाल है। सर मत कीजिए ऐसा। सर ए उधर चलना। सर आप यहां बैठिए। ए, इतनी बद्दू क्यों आ रही है यहाँ? चलना उधर। प्यारों की खुशबू है। को मारेंगे क्या? इसीलिए तो इतनी बद्दू आ रही है। दूर बैठ। कितना पिया है तूने? एक हाफ और एक क्वार्टर। इसीलिए बद्दू मार रहा है। ये लोग दिन में भी शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छा आता है। बॉस वो क्या है कि सर मैंने आपके लिए एक स्टोरी। हमें यहाँ से कब रिलीज करेंगे? करेक्ट 1 बजे ये लोग कोर्ट में लेकर जाएंगे। उधर 300 रुपए भरेंगे तो तुरंत छोड़ देंगे। ओके थैंक्स बॉस। क्या कहा? 300 रुपए? यस जस्ट 300। अगर नहीं भरेंगे तो अंदर डाल देंगे। अंदर मतलब? अबे ब, 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 जेल में डाल देंगे। क्या जेल में? हाँ यार क्या कह रहे हैं सर? यही तो बोला जेल में। जेल में डालेंगे क्या? 300 रुपए के लिए जेल में डाल देंगे क्या? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं गांव में जाता। सुनो भाई तुम ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? अनाकोंडा का शरीर लेके ऐसे रोते हैं? कुछ नहीं होगा। कूल डाउन कूल डाउन भाई। ऐसा है कि 5 मिनट में 5,000 कमा लेगा। हाँ ओके ओके शांत हो जा। रो मत सब ठीक हो जाएगा। डायरेक्टर तो सही बोल रहा हूँ। ठीक है बाप रे अब जाके थोड़ी राहत मिली। ब्रदर एक बात पूछूं बुरा मत मानना। तुम्हें ट्रेन में रखे बम की तरह घसीट कर क्यों लाए? अपना गुनाह तो बताओ। प्रोसीड। सर इसीलिए आपको अरेस्ट किया? छे अरे कुछ लोग तो गंदे गंदे शब्द लिख करके ड्राइंग बनाते हैं उनको छोड़ करके आपको अरेस्ट कर लिया। क्या बेवकूफी करते हैं ये लोग। इसीलिए रेलवे पुलिस की इज्जत नहीं बची है आजकल। किसे किस चीज के लिए अरेस्ट करना है कोई रूल्स ही नहीं है। हाँ, हाँ ठीक कहा। रूल्स ही अगर होते ना तो मुझे क्यों अरेस्ट करते? हाँ, बिना टिकट का नहीं था बाहर नहीं लटक रहा था। सब रॉड पकड़ के खड़े थे तो मैं भी पकड़ के खड़ा था। ये कभी नहीं सुधरेगा। अंडरस्टैंड। अब आप लोग परेशान मत होइए ब्रदर। अब हम लोग आपस में फ्रेंड्स हैं। मेरा नाम कुडीश्वरन है। भाई का नाम भास्कर है। सर का नाम सतीश है। कुटीपुल्ली छोटा हाथी मारी। क्या हुआ इज्जत से नाम नहीं लिया इसलिए घूर रहे हो? अरे ये तकल्लुब छोड़ेंगे तभी तो हम एक दूसरे को जान पाएंगे। आई लाइक इट। कहते हैं पांडिचेरी दारू के लिए फेमस है। क्या प्यार के लिए भी फेमस है? आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। कंटिन्यू कंटिन्यू सब लोग सुनिए। पेपर सर। दूध टमाटर बटाटा कांदा बैंगन ले लो। मच्छी ले लो। प्लास्टिक का सामान बाल्टी टब स्टूल ले लो। क्या ब्रदर इतने सॉफ्ट दिखते हो और इतना हार्ड वर्क करते हो? इसकी कोई सीमा नहीं है कि इंसान को कितना कष्ट उठाना पड़े। हमें तो सुनकर ही बहुत दुख हो रहा है लेकिन ये सब आप कैसे? मैं ये सब नहीं करता सर। इनमें से कोई एक काम करूं ऐसा मेरे फ्रेंड का सपना है। डायरेक्टर Yes. देखो ना कितना फेंक रहा है। इससे कहो जल्दी से रियल स्टोरी सुनाए। सर आपकी जिंदगी में क्या हुआ बोलिए सर।
बैंगलोर में ट्रेनिंग के लिए मैं जाने वाला हूँ, अभी तक मैं तैयार भी नहीं हुआ। तुझे तो कोई काम धंधा है नहीं, तो तू इतनी जल्दी क्यों तैयार होके बैठा है? देख भाई, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन तू काम पे जाता है, मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन घर के बाहर जाती हम दोनों एक ही हैं। अबे तो काम पे कब जाएगा तू? तू तो जा रहा है ना, तो मैं क्यों जाऊँ? ए, तूने फैसला कर लिया है क्या, तुझे काम नहीं करना है? तुझे बस स्टॉप पे ड्रॉप करना है या नहीं? ए, रुक जा, रेडियो के आ रहा हूं मैं। ऐसा डरा कर मुझसे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, दिस इज मेघना फ्रॉम चैलेंज फाइनेंस कंपनी। सर, हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। इफ यू हैव फ्यू मिनट्स तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ सर। बोलिए मेघना। थैंक यू सर। सर एक्चुअली हमारी कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जरूर प्रॉफिट मिलेगा। सो मैं आपको सारी स्कीम्स एक्सप्लेन करती हूँ। हमारा प्लान समझ में आया ना सर? या आपने अपना नाम क्या बताया? सर, मेघना सर। नाइस नेम। थैंक यू सर। सर आपने प्लान सुना ना? आपने जो प्लान बताया बहुत ही सुपर्ब है। ओके सर। ऐसे ही ऑफिस के लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था। थैंक यू सो मच सर। एक चाय। सर आपका नाम क्या है? सत्या। सत्या सर, आप काम कहाँ करते हैं? एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। सॉफ्टवेयर कंपनी, ओके सर। सर आप चाहें तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव को वहाँ भेज सकती हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, जब आप ही इतना अच्छे से बता रही हैं तो फिर वो क्यों? तो सर आपने कौन सा प्लान चूज किया है? देखो मेघना, इन सारे प्लान्स में कोई एक अच्छा होता तो चूज करने में आसानी होती। वैसे सारे प्लान्स एक्सीलेंट हैं। तो चूज करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। If you don't mind, एक बार और सुन लूंगा तो I can finalize. Okay sir, मैं एक बार और explain करूँ आपको? अभी तो मैं थोड़ा busy हूँ। तो सर मैं आपको वापस कब call करूँ? Tomorrow same time. Okay sir, definitely sir. I'll call you tomorrow sir. Thank you so much. किसका फोन है? Hello. Good morning sir. मैं मेघना बात कर रही हूँ, Challenge Finance Company से. हाँ, hi मेघना. कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ मेघना, बताओ। सर वो आपने कल कॉल करने के लिए कहा था। हाँ, प्लान के बारे में बताने वाली थी ना, बोलो ना। सर एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया था, हमारी कंपनी की 5 स्कीम्स हैं, तो बोलो मेघना। सर प्लान सुना ना आपने? हाँ मैंने सुने, तुम्हारे 10 प्लान्स में से 3 प्लान्स तो वेरी एक्सीलेंट। सर आप कौन सा प्लान चूज करेंगे? हाँ वही मेघना, ये 3 प्लान में से कौन सा सिलेक्ट करूँ वापस कंफ्यूजन हो गया है। सर वो अगर मैं एक बार और सुन लूंगा तो आई कैन फाइनलाइज, बट ऐसा लग रहा है मैं आपको ज्यादा ही परेशान कर रहा हूँ। क्या सर, इस बात के लिए बुरा मत मानिए, बताइए कब कॉल करना है, मैं कॉल करूंगी सर। अब तो टुमारो सेम टाइम? डेफिनेटली सर, आई कॉल यू। थैंक यू सर। अच्छा कस्टमर मिल गया है, इस महीने का टारगेट ओवर। यार जहाँ भी जाते हैं ना, गन्ने की तरह निचोड़ लिए जाते हैं, और जहाँ भी जाओ लड़कों से ज्यादा लड़कियां होती हैं। हाय मेघना। सर मैंने नाम बताया भी नहीं और आपने पहचान लिया मुझे। अरे सिंपल है, आपसे मिलने की जरूरत ही नहीं है, आपके साथ फोन पर बातें करते हुए पता चल रहा है कि आपकी सिंसियरिटी, डिग्निटी, पंचुअलिटी, सब कुछ इजीली पहचान सकता हूँ मैं। प्लान के बारे में बताऊँ सर? हाँ बोलो मेघना, आई एम वेटिंग फॉर दैट। तो आपका डाउट क्लियर हो गया ना सर? एवरीथिंग इज क्लियर मेघना। थैंक यू सर। तो आपने कौन सा प्लान चूज किया है? उससे पहले मैं आपके साथ फ्यू मिनट्स बात कर सकता हूँ? बोलिए ना सर।
देखो मुझे घर से ऑफिस जाने के लिए हाफ एंड हाफ से 45 मिनट्स लग जाते हैं। मेरा फ्रेंड हमेशा मेरे साथ ही आता है। और वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। ओके। अब वो अचानक दो दिन के लिए बैंगलोर जा रहा है ये सुनते ही मैं शॉक्ड हो गया। क्या करूं समझ में ही नहीं आया। हमेशा साथ रहने वाला जब दो दिन के लिए कहीं चला जाए तो कितना अपसेट लगता है। और उसी वक्त तुम्हारा कॉल आ गया। कसम खाकर कहता हूँ मेरे दोस्त से भी ज्यादा तुमने मुझे अच्छे से पकाया। हेलो हेलो कौन है भाई हमेशा की तरह फालतू की कॉल है क्या। और नहीं तो क्या यार नहाने से पहले उसने कॉल किया था मेरे नहाकर रेडी होने तक बात कर रही थी। चल वो तो ठीक है लेकिन जब हम ट्रैफिक में फंसे रहते हैं तभी भी कॉल करते हैं। तेरा कॉल है सोचकर गाड़ी साइड में लगाकर देखता हूँ तो एयरसेल से बात कर रही हूँ एयरटेल से बात कर रही हूँ उसी में से एक फंसी थी तो मैंने सोचा इनके साथ भी थोड़ा टाइम पास किया जाए। ठीक है। हाय मेघना क्या हुआ गुस्से में क्यों बैठी है। वो फोन वाला लड़का मुझे बेवकूफ बना रहा था। पर अपना काम तो यही है ना यार फोन करते समय कोई बेवकूफ बनाए ठीक है लेकिन फोन बार बार करवा के बेवकूफ बनाया इसलिए। जिसने भी मुझे फोन पे परेशान किया मैंने उन्हें कैसे टॉर्चर किया तुमने देखा ना। इस नंबर को कैसे ट्रेस करूं बता। भैया पापा ने आपको बुलाया है उन्हें कुछ बात करनी है आपसे। क्या हुआ भाड़े का प्रॉब्लम है क्या। कुछ और ही है। कुछ और है मतलब पूरा परिवार पहली में बात करता है। हाय अंकल बैठो सत्या। अंकल आपको मुझसे कुछ बात करनी है एनी प्रॉब्लम। बड़ा आया प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला डोंट मेक इन सिट एंड टॉक। कितनी बार आपको समझाया कि बैचलर को रूम किराए पे नहीं देना चाहिए लेकिन आपने सुना ही नहीं। अंकल क्या बात है। कुछ नहीं बेटा सुबह एक लड़की आई थी। सत्या कहाँ है सत्या बाहर आ। तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या। लाइन मारेगा प्यार करेगा साथ में घूमेगा कुछ होने के बाद छोड़ के चला जाएगा। कुछ पूछो तो कहता है हाउस ओनर से बात करो। ए, माइंड योर वर्ड। ओए, ज्यादा बोलो मत हिंदी समझ में आती है ना। मैं दो दिन का टाइम दे रही हूँ दो दिन के अंदर उसने मेरे पैर पर गिरकर माफी नहीं मांगी तो देख लेना आज मैंने चेयर फेंकी है कल तुम्हें फेंकूंगी याद रखना। अंकल कौन थी वो बस बताइए आप देखिए उसका क्या हाल करता हूँ। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है वो कौन है ये नहीं जानता तो उसके साथ घूम क्यों रहा था। इसकी नौटंकी की हमें कोई जरूरत नहीं है। इस बंदर को खूबसूरत लड़की मिली है खुश रहने को बोलो। Why this headache? दो दिन का टाइम देती हूँ इसको जाके माफी मांगने के लिए बोलो नहीं तो घर खाली करने के लिए बोलो। अंकल वो योर टाइम स्टार्ट नाउ। अंकल कौन होगी वो ये भी कुछ बता नहीं रहे फिर कैसे पता लगाऊं। मोटू एक चाटा मारूंगा तेरी प्रॉब्लम क्या है यार। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा लेकिन दो कंडीशन है। अच्छा तो तू कंडीशन भी रखता है। पहला मुझे बहुत सारी आइसक्रीम चाहिए। हाँ तुझे देंगे। मेरी दूसरी कंडीशन ये हमारे साथ नहीं आना चाहिए। देखो तो जरा मोटू को। ए तू मेरे बिना जाएगा क्या। ए मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है। अबे रुक जा। अबे इस बच्चे की बात पे यकीन मत कर वो तुझे नहीं मिलने वाली। पकड़ ना। उसके लिए महंगी आइसक्रीम और मेरे लिए सस्ती आइसक्रीम। मुझे तुम्हारी आइसक्रीम नहीं चाहिए मुझे मेरे घर पे छोड़ दो। ए, क्या बकबक कर रहा है अपनी माँ की तरह पहली में बात मत कर। तू तो उसके साथ ही आ रहा था मैंने खुद देखा है। आंखें फोड़ दूंगा तेरी। किसके साथ आया मैं। हम दो दिन से जिसको ढूंढ रहे थे तुम उसके साथ आ रहे थे। ए, वो यहीं पर है क्या बताना कहाँ पर है प्लीज प्लीज। ज्यादा एक्टिंग मत करो तुम्हारे ड्रामा में मैं कॉमेडियन हूँ क्या। एक कसम से यार मुझे नहीं पता कहाँ पर है बता देना। दो दिन से मैं तेरे साथ ही घूम रहा हूँ ना। मुझे भी वही आइसक्रीम ला के दोगे ना। वो कौन है पता चलेगा तभी तो दूंगा ना। मेरे लाल मेरे काले मेरे पीले प्लीज 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 बता दे। उधर देखो वो जा रही है। किधर है दिखाई नहीं दे रहा। वायलेट कलर चूड़ीदार। वायलेट कलर। थैंक्स मेरे लाल पकड़ पकड़। ए ए ए ए भैया मेरी आइसक्रीम। भैया मेरी आइसक्रीम अभी आइसक्रीम तो दिला। ये वो सही है ना। या, 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 बाय बाय बाय।
स्टॉप 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 स्टॉप। सुनो, मैं कब से आपको आवाज दे रहा हूँ और आप बिना सुने चलती जा रही हैं। आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप कौन है? सत्या। सत्या कौन है? हेलो, मैं आपका लवर हूँ। क्यों, क्या हो गया? घर पे आके तो हंगामा किया था, अब क्यों डर रही हो? वो मैं नहीं हूँ। अरे आप ही तो हो वो। कहा ना वो मैं नहीं हूँ। रुक कर बात कीजिए ना। हेलो, एक बार कहा ना, समझ में नहीं आता है क्या? बेवजह मुझे फॉलो करोगे ना तो पुलिस को बुला लूंगी। हाँ बुलाइए पुलिस। पुलिस। ए, पागल हो गए हो क्या? अरे बुला लेते हैं, आपका डाउट भी क्लियर, मेरा प्रॉब्लम भी क्लियर। पुलिस पुलिस। चिल्लाओ मत, तुम्हारे घर पर मैं ही आई थी, अब बोलो क्या करना है। सब कुछ तो कर दिया, अब और क्या करना है पूछ रही हो? एक शरीफ लड़के की जिंदगी खराब कर दी, उसकी लाइफ में शादी के लिए एक भी लड़की ना मिले, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। ठीक है, काम करो, मेरे ओनर के पास जाकर कह दो कि मेरा और आपका कोई संबंध नहीं है। वो मैं नहीं करूंगी। तो फिर हाँ कह दो ना। हेलो, क्या कहा? मजाक कर रहे हो क्या? आपने जो किया मैंने उसका जवाब दिया, और कुछ नहीं। यानी हम जो करेंगे वो वापस तुम भी करोगी? बिल्कुल करूंगी। कुछ भी करूंगा तो? हाँ कुछ भी। श्योर? श्योर। आई लव यू। इडियट। हेलो, अरे इडियट नहीं, लव बोलो। हेलो, क्या हुआ? जो मैंने किया करने वाली थी ना, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू। पहले हम दोनों थे कितने अनजाने, अब तुझको देखे बिन ये दिल न माने, 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 माने। रुक जाओ मेरी रानी, मत कर ऐसी नादानी। रुक जाओ मेरी रानी, मत कर ऐसी नादानी। कहाँ से तू लाई है? गुस्सा अब छोड़ो ना ओ मेरी जानू, सब कुछ मैं अपना अब तुझको ही मानू, 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 मानू। बनती है क्यों बेगानी? रुक जाओ मेरी रानी। बनती है क्यों बेगानी? रुक जाओ मेरी रानी। कहीं मेरे जैसा लड़का नहीं, तेरे लिए कोई कभी मेरे जैसा तड़पा नहीं। आजा तू बिंदास मेरी बाहों में, दिल ये बिछा दूं मैं तेरी राह में। रुक जाओ मेरी रानी, मत कर ऐसी नादान। बाबा
आप अपने आप को समझती क्या है? कितने दिनों से आपको फॉलो कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दे रही हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओगी तभी तो पता चलेगा। अगर ऐसे चुप रहोगी तो पीछा छोड़ दूंगा सोच रही हो? इतना इजीली पीछा नहीं छोड़ूंगा। किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आए तो उसे फॉलो नहीं करना होता है, उस लड़की के दिल में लड़के के लिए फीलिंग्स भी होनी चाहिए। तुमने अब तक मेरे दिल में अपने लिए कोई फीलिंग्स नहीं जगाई है तो फिर तुमसे कैसे प्यार होगा? फीलिंग पैदा करनी है, कैसे फीलिंग पैदा करूं? क्या सर, फीलिंग के बारे में बोल दिया, फिर आपने क्या किया सर? इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब लड़की रोड पे चल रही हो तो केले का छिलका डाल दो या गटर का ढक्कन खोल दो, वो गिर जाएगी। ये भी एक तरह की फीलिंग है, क्यों? ठीक कहा ना? शांत हो जाओ नहीं तो मैं कुछ बोल दूंगा। हेलो, ट्रेन अपने ट्रैक पर जा रही है तो तू बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है? चुपचाप बैठ भाई, तू इंजन स्टार्ट कर। अभी तुमने सही बात बोली है। क्या भाई, सुसाइड की कोशिश की? छीछी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे पोस्टर चिपकाने से एक सिंपैथी वर्कआउट होकर इजीली सेट हो जाएगा सोचा था। सर, वर्कआउट हुआ क्या? वो हे, उधर देख, बहुत चालू है ये। चल, तू बिल्कुल सही कह रही है। वैसे तो वो डेली देखती थी लेकिन उस दिन बिना देखे ही चली गई। जो मैंने सोचा था वही ट्विस्ट है, लेकिन गैस करने जैसा ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप खुद ही एक डेथ बॉडी बन जाओ, गले में माला डालो और अगरबत्ती भी जला लो, 8-10 लोग रोने वाले बुला लो, तब सीन रियल लगेगा सर। बॉस, आजकल की लड़कियाँ बहुत होशियार होती हैं सर। सर, आप चोरी नहीं कर सकते थे क्या? एक लॉजिक मिस्टेक बता रहा हूँ तो बोलने नहीं दे रहे। छोड़िए ना सर ये सब, उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद तो मैंने उसे एक बड़ा शॉक दे दिया। हे मेघना, उधर देखना। सुपर, ये बढ़िया पंच है। कंटिन्यू। उसके बाद क्या किया बॉस? हे, रुको, तुमसे कह रही हूँ। सुनो, अरे तुमसे ही तो कह रहा हूं। अभी कुछ फीलिंग्स हुई क्या? वर्कआउट हो गया। सुपर सर, आपका प्यार अच्छा है। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। हाथ मिलाओ सर। शाबाश, वेरी फाइन। लॉ एंड ऑर्डर्स को देखकर डरने वाली पब्लिक हम लोगों से क्यों नहीं डर रही है, इसका कारण ढूंढना पड़ेगा। कोई आइडिया है तो बताओ। पुलिस वालों के लिए 100 नंबर है तो हमें भी एक नंबर लेना चाहिए सर। हमें भी तो नंबर दिया गया है 182। सर, उस पर कोई कंप्लेन नहीं करता है, वैसे भी फोन आता है तो ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी, कितने बजे कहाँ पहुँचेगी, सब पूछते रहते हैं। सर, हम लोग पकड़ के आसानी से छोड़ देते हैं, इसलिए हमसे कोई नहीं डरता है सर। हमारे पास भी FIR के राइट्स होने चाहिए, फिर देखना सिटी पुलिस की तरह सब लोग हमसे भी डरेंगे सर। करेक्ट सर। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र सदर्न रेलवे जोन में कुल मिलाकर 100 लेडी कांस्टेबल है, सबको इंक्रीज करना चाहिए। हाँ सर। ए? सर, आज हमने जितने लोगों को पकड़ा है उसमें आधी जीत हो गई। आधी जीत क्या, पूरी जीत हो गई, जाके चेक करो। ओके सर। हाँ? सारे लोग सो रहे हैं, यही सही रहेगा। क्या कर रहे हैं वो लोग? सर, वो लोग ऐसे सो रहे हैं जैसे घर में सो रहे हो। सब लोग सो रहे हैं क्या? उन लोगों को कैसे जगाना है मुझे पता है। ये लो, इसे खोल के वहां रख दो। ठीक है सर। अब देखना कैसे नींद खुलेगी। हाँ सर। बहुत अच्छा मसाला डाला है, अब तुम लोगों को मजा आएगा।
सुनो डायरेक्टर, डायरेक्टर उठो यार। क्या हुआ? बहुत जोर से भूख लगी है। बिरयानी की खुशबू आती है तुम्हें भूख लग जाती है क्या? तो जाना, नाश्ता नहीं किया तो बहुत भूख लग रही है। वो खिड़की के पास जाके बोल, कुछ देंगे क्या वो लोग? सच में देंगे क्या? अरे जाना वहीं पूछ। ठीक है जाता हूँ। साहब, साहब बहुत भूख लग रही है साहब, कुछ खाने को है क्या? नींद खुल गई ना। ए डायरेक्टर, इतना आवाज दे रहा हूँ कोई नहीं सुन रहा यार। ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। सर, साहब मैं बीपी का पेशेंट हूँ, चक्कर आ रहा है मुझे, कुछ खाने को दे दो। अगर एक दिन नहीं खाएगा तो भूख से तड़प के मर नहीं जाएगा। खाना छोड़ पानी भी नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठ। अब क्या करूं सर? ए ब्रदर, कुछ मांगा, कुछ जवाब दिया, प्रॉब्लम क्या है? अरे मैंने इनसे खाना मांगा तो कहता है कि एक दिन नहीं खाएगा तो भूख से तड़प के मर नहीं जाएगा। देख लिया ना, एक टाइम के खाने के लिए इतनी बेइज्जती जरूरी है क्या? भूख लग रही है मुझे। तेरा मांगना गलत नहीं है, पर देने वाले से मांगना चाहिए। अरे तो किससे मांगू? अरे मुझसे मांगना। मैं देता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? इडली वड़ा, पोहा, पूरी, डोसा, खिचड़ी। पोहा। क्या कोड़ीश्वरन जी, होटल चलाते हो क्या? बॉस, किसी को एक वक्त का खाना खिलाने के लिए होटल की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। ये ले भाई। सर पूरी भाजी है क्या? पूरी है, भाजी नहीं चलेगा? चलेगा। ये लो। लास्ट वाले भाई पकड़ो, ये गांव का स्वाद है। सब लोग, सबको मिलेगा। सर थोड़ा आप ही लो ना। नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग ये ना सर, अभी नींद से उठाया ना, पोहा खाओ, मत नींद आएगी। कोई आवाज क्यों नहीं आ रही है? जाके देखो जरा। ओके सर। ए कुड़ी। सर कुड़ी इधर सबको खाना खिला रहा है। नंद कुमार उसको जरा बाहर ले क्या। ए इधर होटल चला रहा है क्या तू? चल उठ, चल चल पहले। सर हमारी आपस में दोस्ती हो गई है, मैं भी शाम तक यहीं पर रहूंगा। तू क्या क्रोध फिल्म का सुनील शेट्टी है जो इन सब की बहनों की शादी करवाएगा? चल बाहर चल। रुको, एक तो आप खाना नहीं देते, ये खाना खिला रहा है तो इसे लेकर जा रहे हो तुम लोग? ये कौन है तुम्हें पता है क्या? कौन है? मैडम थैंक यू, ब्रदर बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्प मी प्लीज मैडम, प्लीज डाली ना। थैंक यू। चिंता मत करो, सब आराम से खाओ, किसी को फूड पॉइजन नहीं होगा, मैंने लैब में चेक करवाया है। हिलना क्यों रहा है? अंदर एक डॉक्टर है ना, उसे दिखा दे। अरे उठा 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 सर, यहाँ कौन सा डॉक्टर है सर? ए पीछे जो पलट कर बैठे हैं ना वो डॉक्टर है, जाओ उनके पास। सर एक आदमी बेहोश हो गया सर, जल्दी से उसे चल के बचा लीजिए सर। वो सब मैं नहीं कर सकता सर, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? मैं नहीं कर पाऊंगा, बोला तो जाओ। सुन ये बोले है ना, नहीं देख सकते तू जा। नमस्ते सर। सर दारू पीकर हालत खराब हो गई है, सुबह 6 बजे तक पीता हूँ, सुसु नहीं आती है, उसके बाद मेरे हाथ कांपने लगते हैं, कुछ दवा दीजिए। नहीं दूंगा जाओ। क्यों? मुझे नहीं देते उसे नहीं देते, तू चीज क्या है? फोन करोगे तो बताऊंगा। क्या फोन करने पर बताएगा? यहाँ तो डॉक्टर हाथ पकड़ के बीमारी बताते हैं, ये क्या बकवास कर रहा है? इसका हाथ रखो, ये ओरिजिनल डॉक्टर है या नकली? इसकी शक्ल तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। हेलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते, मैं रत्नागिरी से भामा का पिताजी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। मैडम शारीरिक संबंध बनाने से पहले टेबलेट लेना सही है या गलत? सर ये डाउट मुझे भी बहुत दिनों से है, मैं भी डॉक्टर से पूछ लेती हूँ। सर बताइए सर। वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए बेवकूफ बनाने वाली बातें होती हैं। ओ। जो ऑन ही नहीं हो सकता, उस सेल फोन को अगर आप एफिल टावर पर ले जाओगे तो सिग्नल थोड़ी मिलेगा उसमें। हाँ मैं वही हूँ। ये सेक्स डॉक्टर कुंची राबादाम है। अरे हर शनिवार को इनका शो टीवी पे आता है। अरे आओ आओ जल्दी आओ, किसी को कोई प्रॉब्लम। भगवान देख रहे हो इसके लिए सब कैसे लाइन में खड़े। सर मुझे एक डाउट है, सबकी कमी तो आप पूरी कर देते हो, आपके घर में कोई कमी तो नहीं है ना?
सर? सब स्मूथली चल रहा है, सिटी में मेरे चार घर हैं। आपके चार घर हैं वो ठीक है सर, चारों घर में रहने वाली आपसे खुश। सर सर मुझे भी कुछ दिखाना है। दिखा ए, हाथ दिखा। हाथ दिखाना है? हाथ से तो सब सही लग रहा है, वैसे समस्या क्या है? कुछ होता नहीं सर। ठीक है, मैं एक दवा लिख कर देता हूँ, वो ले जाकर अपनी वाइफ को दे देना। एनर्जी मुझे चाहिए उसको नहीं। खड़ा होने की ताकत नहीं है और तू रेस की बात कर रहा है। डॉक्टर तू है या मैं हूँ? जो बोला वो कर, चल अब जा। नेक्स्ट, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आप खुद ही ढूंढ लो ना। हाथ दिखा, तेरे हाथ की तो रेखाएं मिट गई। मेरा मतलब तेरा हाथ बहुत कड़क हो गया, कोई भारी काम करता है क्या? लोहे का काम करता हूँ, इसीलिए जंग लग गया है। ठीक है, तेरे लिए भी दवा लिख देता हूँ। दवाई बराबर खाना, तेरी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। हाथ या प्रॉब्लम? अरे हटो, मुझे भी दिखा। साइड हो जाओ, साथी पकड़ा गया है। इतनी स्पीड, अबे तू तो बेहोश हुआ था ना अभी? दिखाओ। मेरा भी हाथ देख लीजिए सर। मैंने हाथ दिखाने के लिए नहीं कहा। सबका हाथ तो देखा है ना सर आपने। किसके सीने पर हाथ रख के बताना है और किसका हाथ पकड़ के बताना है ये मैं जानता हूँ। अभी दिखा रहा है या नहीं? सर सबके सामने कैसे दिखाऊंगा? फिर एक काम कर, साइड में जा, सेल फोन से सेल्फी निकाल और मैं उसको देख के बता दूंगा। चल जा। डॉक्टर हो तो ऐसा काम पता नहीं क्या सुधरेंगे ये लोग। सर लगता है यहाँ पर किसी का फोन बज रहा है। आपका मोबाइल है क्या? सर आपका फोन नहीं लिया उन लोगों ने? मैंने जो मोबाइल दिया था वो कंपनी का था और ये मेरा पर्सनल नंबर है। सर आपके पास एक और मोबाइल उन्हें पता चल गया तो आपके ऊपर एक और केस डाल देंगे, छुपा लीजिए इसे। एक मिनट में बात करके आता हूँ। ठीक है, आराम से बराबर लेते रहना। ठीक है, अच्छे से दवा ले। हेलो, कहाँ हो तुम और दूसरा फोन ऑफ क्यों है? वो मैं पुलिस में फंस गया हूँ। क्या पुलिस में? ये रेलवे पुलिस है। कितनी इजीली बोल रहे हो तुम, यहाँ मेरे पापा ने सब कुछ रेडी करके रखा है। अरे तुम फिक्र मत करो, एक बजे तक ये लोग मुझे छोड़ देंगे, मैं चार बजे तक पहुँच जाऊंगा। ठीक है, कौन से स्टेशन में हो? इधर ताम्बरम स्टेशन। तुम ताम्बरम स्टेशन क्यों गए थे? जल्दी पहुंचने के लिए मैं स्टेशन आया था। अपनी फ्रेंड के पापा से बात करके देखूं अगर वो कुछ कर सके तो। ए, जैसा सोच रही हो वैसा कुछ सीरियस नहीं है। तुम्हें तो कुछ भी सीरियस नहीं लगता है, पर मुझे यहाँ टेंशन हो रही है। तुम आओगे ना पक्का? मैं जरूर आऊंगा। ओके। हेलो इंस्पेक्टर विलियम्स। सर मैं कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए कुमार जी। सर स्टेशन पर बम रखा है, ऐसा फोन आया है। बम रखा है? एक डाउट है, इसलिए आज जितने लोगों को अरेस्ट किया उनको छोड़िएगा मत सर। ओके कुमार जी। चलो बैग दिखाओ, चलो चलो जाओ जाओ। बॉस हमें यहाँ से कोर्ट कब लेकर जाएंगे? इन्हीं लोगों से पूछते हैं, गवर्नमेंट इन्हें क्यों पगार देती है। रुको मैं ही पूछता हूँ। सर सर हे हटना। सर सर ए, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं यहाँ हूँ, उधर क्यों चिल्ला रहे हो? किस किस को खाना चाहिए बताओ। वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कोर्ट कब लेकर जाएंगे। पहले सब लोग खाना खाओगे उसके बाद कहीं जाना होगा। किसको क्या चाहिए? तीन प्लेट राइस सर। मुझे अंडा पराठा सर। चिकन लॉलीपॉप सर। मुझे चिकन चिल्ली सर। मुझे नूडल्स चाहिए। चपाती खाने से हमारे अंदर चार हाफ बिरयानी एक फुल तंदूरी। तुम्हारी जात का मुझे होटल का वेटर समझ रखा है क्या? फ्राइड राइस बिरयानी कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ दही चावल ही मिलेगा। किसको खाना है बोलो। सर हमें कोर्ट कब लेकर जाओगे? ए पहले खाना खाओ। खाना वाना कुछ नहीं, पहले ये बताइए कोर्ट कब चलेंगे। स्टेशन में बम रखा है, किसी ने फोन किया था, जब तक मिल नहीं जाता किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। खाना है तो खाओ, नहीं तो बाहर में जाओ। चलो सर। अभी हमें छोड़ने वाले हो या नहीं? ए पुलिस वाले को धमकी दे रहा है। ए, किसी और ने बम रखा है तो हम लोगों को अंदर क्यों किया तुमने? जिसने बम रखा उसको पकड़ने की तो हिम्मत है नहीं तुम्हारे अंदर। हेलो ए, तुम्हारी पोजीशन पर मैं भी हूँ, तुम अंदर हो मैं बाहर हूँ। यू रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। बराबर बोलना तो आते नहीं, जाओ कॉल योर इंस्पेक्टर। सर ये लोग परेशान कर रहे हैं सर, एक टीवी पेशेंट जैसा दिख रहा है और आंखें दिखा रहा है सर। ए, चल क्या रहा है यहाँ? इससे पूछिए सर। डॉक्टर क्या प्रॉब्लम है? 6 बजे मुझे खुशी चैनल की शूटिंग पर पहुंचना है, नहीं गया तो वो मुझे बदल देंगे। अगर मुझे आपने नहीं छोड़ा तो मैं आप सब पर केस करके कोर्ट में घसीटूंगा। क्यों ये चलेगा? बम रखने वाला इधर ही है, अगर ऐसी रिपोर्ट दी मैंने तो तुम लोगों की पूरी लाइफ यहीं खत्म हो जाएगी। बनाओ क्या ऐसी धमकी किसी और को देना? सर मुझे अर्जेंटली बाहर जाना है। ए तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? तुम लोगों को मैंने यहाँ दावत पे बुलाया है, कब छोड़ना है कब नहीं छोड़ना है मुझे पता है, तू अपना मुंह बंद रख। सर जिसने बम रखा है उसको पकड़ना आपका काम है, हम लोगों को क्यों अंदर रखा है ये बताओ, हमें छोड़ते हो या नहीं? तुम उंगली दिखा के बात करेगा मुझसे? नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लेगा? ए
कौन किसके पास है? बोलो किसके पास है? तेरे पास है क्या? नहीं सर। ये बैग किसका है? ये बैग किसका है? पता नहीं सर। किसका है? पता नहीं। सर फोन दीजिए सर। ए, ये तेरा फोन है? सर अर्जेंट कॉल है सर। सर 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 प्लीज सर फोन दीजिए सर। सर मत छूइए मेरे फोन को सर प्लीज सर मत कीजिए ऐसा। फोन कैसे अपने पास रखा? हाँ सर अर्जेंट कॉल है। हाँ ले सर। ए इन्हें अच्छे से बताओ बात नहीं मानने की सजा क्या होती है? इन सबको भूखा रखो। ओके, कोई रहमदिली नहीं। सर 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 प्लीज सर मेरी बात सुनिए सर। सर दरवाजा खोलिए सर प्लीज सर। सर 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 प्लीज सर प्लीज सर मुझे अर्जेंटली जाना है सर। मेरी बात मानिए मैडम। मैडम मैडम आप इन्हें बताइए ना मैडम प्लीज मैडम। सर 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 प्लीज सर सर मुझे छोड़ दीजिए मुझे अर्जेंटली जाना है मेरी लाइफ का सवाल है सर प्लीज सर बुलाइए ना। अरे कोई तो बुलाइए सर सर प्लीज सर। मैडम 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 सर 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 प्लीज सर सर। क्या हुआ सर? सर पूरा सर्च कर लिया है हम तो कहीं पर नजर नहीं आए। आई थिंक दिस मे बी अ र्यूमर कॉल। कंफर्म कुछ नहीं है सर किसी ने झूठी खबर दी होगी। ओके सर थैंक्स। तुम लोग 300 रुपए निकाल कर रखना तुम सबको 2 बजे कोर्ट में ले जाएंगे। ए तुम पोज बनाए क्यों खड़े हो? चलो सर बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? जाकर खुद ही पूछ लो क्या देख रहे हो जाओ। बम की अफवाह फ्रॉड है क्या? ए हम क्यों फ्रॉड अफवाह फैलाएंगे? तुम जैसे किसी गधे ने अफवाह फैलाई है। ए सर की यही ख्वाहिश होती है कि उनके नाम से ही लोग डरे लेकिन तुम लोग नहीं डरने वाले। अगर डरने की एक्टिंग किए होते तो कब का तुम्हें छोड़ देते। ऐसे एक्टिंग करूंगा तो ऑस्कर मिलेगा क्या? अवार्ड मिलेगा। क्यों डॉक्टर टीवी में ऐड करने से पेट नहीं भरा? जो ट्रेन में पोस्टर चिपकाते हो ऊपर से कोर्ट में घसीटने की धमकी देते हो। कोर्ट में जाओगे तो बेइज्जती आपकी होगी ना चलेगा क्या? आज के बाद से ट्रेन में पोस्टर नहीं चिपकाना। मैडम डॉक्टर को पेपर दो लिखने के लिए। साहब एक बात बोलूं तो बुरा मत मानना वो लड़का प्यार और शादी के बारे में बोल रहा था उससे भी ऐसा ही लिखवा कर उसे छोड़ दीजिए ना। उसकी जिम्मेदारी आप ले लो छोड़ देते हैं। कोई बोल रहा है पौंडीचेरी जा रहा हूँ कोई बोल रहा है काम पे जा रहा हूँ आप कैसे मान सकते कि वो लोग सच बोल रहे हैं? अर्जेंट है तो क्या ट्रैक क्रॉस करेगा? पता है कितने 1000 लोग मरते हैं हर साल ट्रैक क्रॉस करने के चक्कर में। हम जो कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर है इसलिए छोड़ रहा हूँ चुपचाप निकल लो। मैडम आपको बता दूं कि इस बॉडी में बहुत कुछ ठीक करना जरूरी है। जब ये फ्री हो जाएंगे तो इन्हें मेरे क्लिनिक जरूर लेके आइएगा आप। क्या बोल रहे हो? डंडा एकदम तलवार की तरह धारदार है लेकिन बंदूक में जंग लग गया है। कभी कभार सर्विसिंग करवा लेनी चाहिए। मैं जिस बंदूक की बात कर रहा हूँ वो आपके पास है। चलता हूँ। देखना यार फोन स्विच ऑफ आ रहा है। जल्दी में चार्ज करना भूल गया होगा। वेट कर सामने से कॉल करेगा। नहीं यार वो कह रहा था वो पुलिस स्टेशन में फंस गया है। उसने कहा था ना कि 4 बजे तक आएगा। तू परेशान क्यों होती है वो जरूर आएगा। बॉस अगर हमें 2 बजे तक कोर्ट लेकर जाएंगे तो छोड़ेंगे कितने बजे? हम लोगों को पहुंचने में 3 बज जाएगा सर। फिर मजिस्ट्रेट वहां आकर बैठेगा और सिर्फ हम लोग तो होंगे ही नहीं अलग अलग स्टेशन पर पकड़े हुए लोग होंगे वहां पर 60-70 लोग तो होंगे ही कम से कम। सब लोगों से फाइन लेते लेते 6-6.5 तो हो ही जाएंगे। 6:30 बज जाएंगे। हाँ। बॉस हैं? वहां से एस्केप हो सकते हैं क्या? भाई ये इतना आसान नहीं है। आरपीएफ पुलिस वैसे बहुत हार्ड तो नहीं होती लेकिन सभी के हाथ में पिस्तौल होती है। अगर गलती से फंस गया ना 16 दिन तक जेल में डाल देंगे फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। कोई दूसरा रास्ता नहीं है? एक मिनट जरा रुकिए। यहां से सब लोग बचकर जा सकते हैं। एक ऐसा आइडिया है। हाँ। आप लोगों से कुछ बात करनी है।
ये क्या बात करने वाला है? मैं विदाउट टिकट हूँ और इस भाई ने ट्रैक पर बैठकर दारू पी है। इसने पटरी पर छोटी मोटी चोरी की है, हम सबको अंदर रखा है, कोई बात नहीं। लेकिन इन भाई साहब को अर्जेंट पौंडीचेरी पहुँचना है और विक्ट्री को अर्जेंटली ऑफिस ज्वाइन करना है। अपना छोटा भाई कुट्टी पुल्ली फिल्म देखने के लिए तरस रहा है। अगर इन लोगों से उसी समय 300 रुपए फाइन लिया होता तो वहीं पर भर कर ये फ्री हो चुके होते। जो सही में गलती और गुनाह करते हैं वो आराम से घूमते हैं। देखो, सेक्स डॉक्टर ने धमकी दी और उसे भी छोड़ दिया उन्होंने। तो इन पुलिस वालों को हमें ही कुछ सबक सिखाना होगा ताकि ये दोबारा ऐसे लोगों को ना पकड़े। इसके लिए हम सभी लोग यहां से भाग जाते हैं। क्या बॉस, अपनी फिल्म की कहानी लिख रहे हैं क्या? इनके भरोसे आप प्लान मत बनाइए, इनमें से कोई ना कोई अटका देगा। अगर आप फंस गए पूरे 16 दिन जेल। उसकी फिक्र मुझे नहीं है बॉस, अगर 4 लोगों का फायदा हो तो उसके लिए कुछ भी करना चाहिए, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है। ओके, यू प्रोसीड। जिन जिन लोगों को यहां से भागना है वो अपना हाथ उठाएं। यहां तो सभी ने हाथ उठा दिया। ठीक है, मैं भी उठा देता हूं। सर, आपको कथा फिर से सुनाऊं क्या? सबने हाथ उठाया है, आप भी उठाइए ना। क्या हो गया पंडित जी? ए लाल टीका उठाना। रउआ जौन भी बोलनी हमका समझ में नहीं आए। बॉस, अब तो हम हाथ नीचे कर सकते हैं ना। मुझे पहले ही पता था, इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, ये कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा था। मुंह बंद रख। ओके। हेलो, अपनी बात उसे कोई समझा सकता है? दोस्त, मैं हूं ना। पक्का समझा लोगे ना? ट्रक जहां जहां जाता है वहां की भाषा मुझे आती है। अच्छा, ट्रक तो पूरे इंडिया में ले जाते होगे। हाँ, तो सारी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी आती है ना, बोलो तो बोल के दिखाऊं क्या? अरे यार, उसका इंटरव्यू मत लो, पहले इससे पूछो कि ये क्यों फंसा है। काउ पुलिस कैच यू। ये तो अंग्रेज हो गया। ये कौन से गांव की भाषा है? देखो अभी बोलेगा वो। सर, हम IIT की ट्रेनिंग करे खातिर चेन्नई अलवानी, शराब पिए के चक्कर में सारा पैसा खर्च हो गया। होटल खातिर पैसा ना रहे तो प्लेटफॉर्म पे ही सो गई। नहीं, पुलिस वाले हमरा के उठा के यहाँ भर देलन। बोल तो हिंदी की तरह रहे। इसके रूट से मेरा ट्रक गया नहीं, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। ये IIT ट्रेनिंग के लिए चेन्नई आया है, रास्ते में शराब पीने के चक्कर में सारा पैसा खर्च हो गया, होटल में रूम लेने के लिए पैसा नहीं था तो प्लेटफॉर्म पर ही सो गया और पुलिस वालों ने इसे पकड़ लिया। आदमी तो बहुत स्मार्ट लग रहा है ये। जरा पूछो, इसे भागने के लिए तैयार है क्या हमारे साथ? रहुआ हिजा से चलबे का। हाँ, तैयार बनी। ओ भाई, जरा मुझे भी समझा दे क्या चाहता है ये। कोनो बात ना सर, फिल्म जब स्टार्ट हो गया तब समझ में ना आवेला, ओकरा बाद सब समझ में आ जावेला। आप बोली सर। ओके बाबू, गुड बॉय। तो अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये लोग हम लोगों को यहाँ से ट्रेन से कोर्ट लेकर जाएंगे। हमारे साथ 2 या 3 से ज्यादा पुलिस वाले नहीं होंगे। हम सबको अलग अलग दिशा में भागना है ताकि पुलिस वाले हमारा पीछा ना कर पाए। पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके पीछे भागे। बहुत सुपर प्लान है। लेकिन उससे पहले हम सबको एक काम करना होगा। कौन कौन किस किस दिशा में भागेगा और किसके साथ भागेगा ये हमें पहले ही डिसाइड करना होगा। एक बहुत जरूरी बात, हम लोगों को कोर्ट ले जाने से पहले सबका नाम और पता पूछेंगे। कोई भी सही पता मत बताना, अगर बताया तो प्लान खलास। अच्छा, तू किस तरफ जाएगा? ट्रैक पर भागूंगा। ट्रैक पर भागेगा, सामने से ट्रेन आ गई तो क्या करेगा? एक काम कर, तू ट्रेन के आगे भाग। बॉस, मैं किस तरफ जाऊं? बॉस, ट्रेन से उतरते ही लेफ्ट राइट दोनों तरफ एक एक गेट है, वहां जाकर कॉल टैक्सी बुक करोगे तो सीधा पौंडीचेरी पहुंचा देंगे। ओके बॉस। आगे की तरफ भागने वाले उस तरफ जाइए, साइड में भागने वाले इस तरफ आइए और ट्रेन के पीछे भागने वाले उस तरफ जाइए। ये मोटा कैसे भागेगा, मुझे तो यही चिंता हो रही है। ए, क्या समझा रहा है? बॉस, आप सब भाग जाओगे ना, पुलिस आप लोगों के पीछे भागेगी, मैं अकेला बच जाऊंगा, फिर मैं एकदम आराम से चलकर निकल जाऊंगा। तेरे जैसा काहिल मैंने आज तक नहीं देखा, इसीलिए तो इतना मोटा है। मैं मोटा हूँ ना, जो लास्ट में रहता है पुलिस उसे पहले पकड़ती है। पकड़ा गया तो 16 दिन अंदर रहना पड़ेगा, आपने ही बोला था ना। कौन बाहर निकलेगा,
जाओ बॉस, कोई नया प्लान बनाओ, जाओ। भाई ठीक बोलता है, इतनी दारू पीने के बाद नहीं भागा जाता। मैं भाई के साथ ही जाऊंगा। आइए इधर बैठिए। हेलो, मेरे से भी नहीं होता, मैं भी इनके साथ बैठता हूँ। आइए बैठिए। हाँ भाई, ये फल की टोकरी लेकर मुझसे भी भागा नहीं जाएगा, इसीलिए मैं भी चलकर जाऊंगा। आइए आप भी बैठिए। सर इन लोगों को यहीं बैठने दीजिए, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। भाई है? मुझे ना एक कंफ्यूजन है भाई। अब क्या कंफ्यूजन है भाई? अरे देखो, जो गलती करता है सिर्फ वो गुनहगार नहीं होता है, जो साथ देता है वो भी गुनहगार होता है। आप हमारी मदद कर रहे हैं इसलिए वो आपको अरेस्ट जरूर करेंगे। अगर आपको अरेस्ट किया और बाद में आपने हमको फंसा दिया तो? हाँ? क्यों भाई, सही पॉइंट बोला हूँ ना। ये लोग चुपचाप बैठे हैं ना, उन्हें भड़का क्यों रहा है भाई? बॉस आई एम सॉरी बॉस, लगता है वर्कआउट नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं। आइडिया ड्रॉप क्विक। ये तो मैंने पहले ही बोला था, बड़ा लीडर बना था, लीड कर रहा था, कर लीड। सर आपके फ्रेंड कार्तिक से हेल्प ले सकते हैं क्या कुछ? वो तो फॉरेन चला गया है। इन लोगों को छोड़िए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हम कोई भी प्लान बना लें ये फंसाई देंगे हमें। एक काम कीजिए सर, अपने प्यार के बारे में बताया था ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है ये बताइए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स पौंडीचेरी में रहते हैं, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा, बताइए सर। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे बाप रे, बहुत बारिश है, आओ आओ। कितनी बारिश है ना। हाँ ना। सत्या, वो कार हिल रही है, लगता है कोई अंदर फंस गया है, जाकर देखो ना। ये ऐसा कुछ नहीं है, तुम चुप रहो, जाकर देखो ना। सत्या ए, चुप रहो ना, मैं खुद ही जाकर देखती हूँ, ठीक है? ए पागल मत जाओ, ए मेरी बात तो सुनो। लगता है फ्री में फिल्म देखने वाली है। अरे यार, क्या देखा? हाँ, कुछ नहीं देखा। कुछ तो देखा होगा ना। कह रही हूँ ना, कुछ नहीं देखा। बोलो ना। कुछ नहीं। ओ, अच्छा तो कार में बच्चे थे। तो तुमने क्या सोचा था? मैंने कुछ नहीं सोचा। ए, कुछ तो सोचा था तुमने। नहीं ऐसा कुछ नहीं सोचा। ऐसा मतलब? मतलब सत्या, मैं कल तुमसे एक बात पूछना चाहती थी। हाँ, पूछो ना। वो सुबह होते ही तो मुझे पिक करने आ जाते हो, शाम को ड्रॉप करने आते हो, हाँ। दोपहर में मैसेज करते रहते हो। करेक्ट है। तो तुम काम क्या करते हो? वो मैं एक बड़ी कंपनी में MD के PA का काम करता हूँ। जितना काम मुझे मिलता है वो मैं सब में बांट देता हूँ, और उसके बाद मैं फ्री हो जाता हूँ, तो मुझे तुम्हारी याद आती है और मैं मैसेज करता हूँ। अच्छी बात है। अच्छा हुआ बच गया। सत्या, मेरी उम्र कितनी है पूछो। क्यों? पूछो ना। ठीक है, तुम्हारी उम्र कितनी है? 21। तुमने पूछने के लिए क्यों बोला? जनरली कहा जाता है कि लड़कियों की उम्र और लड़कों की सैलरी नहीं पूछते हैं। हाँ। अब तुमने मेरी उम्र पूछ ली ना। ओके। तो तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50,000। तब ठीक है। क्यों, छोड़ने का सोच रही हो क्या? ए, नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे आ रहा है। ए, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। ये हाथ मिलाने का काम बाद में करना, पहले मेरा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है वो सोचो। ओके? श्योर, धमाल कर देंगे। थैंक यू। यार इतना बड़ा होटल मैनेज कर पाएंगे? ए, जो भी बजट के अंदर हो ऑर्डर करना। हाँ ठीक है यार। अरे आना यार, क्या दिख रहा है, चल। हाय मेघना। हाय प्रिया। हाय, ये होटल ठीक है ना? क्यों, इससे भी बड़े होटल का प्लान करना चाहिए था। कोई बात नहीं, यही ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, ऑर्डर प्लीज। ओके, एक ग्रिल चिकन। नो, मेक इट टू। चिकन स्ट्रिप्स, चिकन नगेट्स, उसके बाद बकेट कॉम्बो। ओके, फिंगर फिश और फिश फ्राई, और तुम्हें क्या? प्रॉन्स, मेरे लिए सही है। प्रॉन्स, ओके। और आप लोग? अपना सादा दही राइस। दही राइस? दाल राइस।
What happened? हम लोग डेली नॉनवेज खाते हैं ना, तो आज चेंज के लिए सही है ना? हाँ यार। ओके, एक दाल राइस और एक दही राइस लेकर आना। ओके मैम। बजट के अंदर ये ऑर्डर हुआ है, बच गए। Here your order. आज मैं बहुत खुश हूँ। इसे यहाँ रखो। वैसे हमेशा ही खुश रहती हूँ। वो तो देखने से ही पता चलता है। हम लोगों को हमेशा दूसरे लोग ही पार्टी देते हैं। सत्या, बिफोर वी स्टार्ट द पार्टी, तुम्हें एक सरप्राइज देना है। तो मुझे मिल गया, यही बड़ा सरप्राइज है, और क्या दोगी? क्या बोलता है? Hey friends, I want to tell you something. He is my boyfriend, Satya. He's celebrating my birthday today. Thanks. Thank you. यहाँ तो सब लोग स्लीपर सेल्स की तरह बैठे हैं। सही कह रहा है यार। Happy birthday. Thank you. Happy birthday, dear. Thank you. अरे कहाँ जा रहा है तू? अगर मैं बाहर गया तभी तुझे बचा सकता हूँ। यहाँ से एस्केप होना चाहता है? नहीं यार, तुरंत जाके आ जाऊंगा। ए, तू आएगा ना? हाँ यार। एक्सक्यूज मी, मैं हैंड वॉश करके आता हूँ। एक इंसान मिल गया तो उसको निचोड़ के रख देंगे। कैसे खा रहे हैं? बहुत अच्छा है ना? अभी तक नहीं आया। अब मेघना, मैं हैंड वॉश करके आता हूँ। खा के हो गया? तुम लोग खाओ। हो गया। ये अब तक आया क्यों नहीं? पता नहीं। हेलो। हे सत्या, मैं पैसों का जुगाड़ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, तू भी मत फंसना, जल्दी से निकल वहाँ से। हाँ ना। तुम काम पर क्यों नहीं जाते? अब वो मेरी काम पे नहीं जाने की वजह तुम हो। क्या कहा? मैं हूँ? मैंने क्या किया? हाँ, अब अगर तुम मुझसे पहले प्यार कर लेती तो मैं कब का काम पे लग जाता? कितने दिन तुमने पीछे घुमाया? तुम्हें पिकअप करूँ या फिर काम पे जाऊँ? ये फालतू रीजंस मेरे सामने नहीं चलेंगे। प्यार करके, यूज करके मुझे छोड़ना चाहते थे क्या? क्या मेघना, तुम ऐसा बोल रही हो? परिवार चलाना है तो काम तो करना होगा ना। देखो, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम काम पे नहीं जाते, तब तो वो कभी नहीं मानेंगे। इससे अच्छा अभी ब्रेकअप कर लेते हैं। ये क्या, हमेशा ब्रेकअप की बातें करती रहती हो? अच्छा, और तुम जो झूठ बोल रहे थे उसका क्या? तो अभी नौकरी करनी है, बस इतना ही ना? ठीक है, अगले महीने में पगार के साथ तुम्हें मिलूंगा, अब तो खुश हो? मैं सच कह रहा हूँ मेघना। ठीक है, चलती हूँ। चलो, मैं ड्रॉप करता हूँ। मुझे अभी जॉब पे जाना है। वही तो कह रहा हूँ, मैं भी नौकरी पे जा रहा हूँ। चलो। स्टॉप। रोको बाबा। मैंने जो कहा वो भूलना मत। चलती हूँ। मेघना, तुम्हारा घर कहाँ है? क्यों, मेरा स्टेटस चेक करना है? ए, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने अब तक अपना घर नहीं दिखाया ना, तो कार्तिक मेरा मजाक उड़ाता है कि तुम अब तक मुझ पर यकीन नहीं करती। वो है मेरा घर। कौन सा वो? पुराना घर? उसके पास में जो घर है वो है मेरा घर। ओ, अंकल क्या करते हैं मेघना? बिजनेसमैन। सुपर यार, तो फिर मैं काम पे क्यों जाऊं? एक काम करते हैं, शादी कर लेते हैं, अंकल का बिजनेस मैं देख लूंगा, बच्चों को तुम संभाल लेना। क्या है, मजाक कर रहे हो क्या? मुझे खुद ये बात पसंद नहीं है कि मैं अपने पापा के पैसों पर जीऊं और तुम काम नहीं करोगे। क्यों, घर पर मुफ्त का खाना खाना चाहते हो? ध्यान से सुनो, अगर तुम काम पे जाने वाले हो तो ही हम प्यार करेंगे, वरना ब्रेकअप कर लेते हैं। तुम भी ना बार बार ब्रेकअप कर रही हो। अंकल की उम्र हो गई है तो सोचा उन्हें हेल्प हो जाएगी, इसलिए बोला। तुम्हें पसंद नहीं है तो ओके, मैं जा रहा हूँ काम पे। अरे रे, पापा आ रहे हैं। पहले तुम यहाँ से निकलो, फिर मैं जाती हूँ। जाओ जाओ ना, गो।
यार वो और उसका बाप दोनों मैच नहीं करते। तू क्या उसके परिवार में दरार डालने वाला है क्या? अरे दिखने में तो एक नंबर का गुंडा लगता है। अबे साफ साफ बोलना, तू डर गया? तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? उसने कहा कि नौकरी करेगा तो ही लड़की मिलेगी। वो क्या मजाक कर रही है क्या? तुझे काम पे जाने के लिए बोल रही है? सत्या, हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए यार। क्या हुआ भाई, जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मैंने नौकरी करने का फैसला कर लिया है। लग रहा है तूने सीरियस लव कर लिया है। एक काम कर, तू मेरी कंपनी का एक कलीग है, उसे बोलता हूँ तू जाके इंटरव्यू दे, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो तुझे काम मिल जाएगा। थैंक्स यार। यहाँ सत्य कौन है? जी मैं हूँ। आपको अंदर बुला रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। सवाल करना शुरू करूँ? श्योर सर। तू जब इंटरव्यू के लिए आया तो बाहर कितने लोग वेट कर रहे थे? बाहर सर? बाहर नहीं तो क्या अंदर पूछ रहा हूँ। वो सर तुझे नहीं पता ना? नहीं सर वो। तुझे पता नहीं है या मुझे अच्छी तरह पता है? जिस लड़के को जनरल नॉलेज नहीं है उसे मैं काम पे नहीं रख सकता, समझे? जनरल नॉलेज? यू आर रिजेक्टेड। सर निकलो। आप कोई और सवाल कीजिए, मैं जवाब देता हूँ। प्लीज सर। इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम निकलो। सर मुझे काम की बहुत जरूरत है सर, प्लीज सर। सिक्योरिटी सर मेरी बात तो सुनिए सर, इनको लेकर बाहर जाओ। सर इस नौकरी की मुझे बहुत जरूरत है सर, प्लीज सर। मुझे क्या लेना देना सर, मैं सिंसियरली काम करूंगा सर, मुझे एक चांस दीजिए सर। का मैं चला डालूंगा क्या? सर आप जो नौकरी देंगे उसमें मेरी जिंदगी है सर। मुझे देकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। सर मुझे नौकरी जी, मैं आपको पैसे दूंगा। है? पैसे देगा? ए, तुम बाहर जाओ। सर तुम्हें नहीं भाई, सिक्योरिटी इसे छोड़कर बाहर जाओ। सर ने बोल दिया ना, हाथ हटा। बड़ा आया। सुनो भाई, तुमने जो कहा मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। हाँ मेरा नाम सत्या है सर। ये सब जानने की मुझे जरूरत नहीं है। तुमने कहा था पगार नहीं लोगे, मुझे पैसे दोगे, उसके बारे में बताओ। मैं एक अमीर लड़की से प्यार करता हूँ। ठीक है। वो लड़की भी मुझसे सिंसियरली प्यार करती है। ये भी ठीक। उसका बाप हाँ बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हाँ। उसके पास लगभग 50 करोड़ रुपए की जायदाद है। हैं? सर आप ये क्या बोल रहे हैं सर, 50 करोड़ रुपए? सिर्फ व्हाइट में सर। सिर्फ व्हाइट? क्या करूँ सर, जैसे सारी स्टोरीज में एक विलन आता है उसी तरह मेरी स्टोरी में एक विलन आ गया। कौन है भाई तेरा विलन? उसका बाप सर। सभी बाप आजकल विलेन क्यों बनते जा रहे हैं? अच्छा क्या किया उसने? नौकरी करेगा तभी लड़की देगा बोला। छे, बहुत गलत बात कर दी उसने। करेक्ट सर। सर आपकी कोई लड़की तो नहीं है ना? मेरी नहीं नहीं नहीं। हाँ, फिर ठीक है सर, ये नौकरी आप मुझे देंगे तो वो मुझे मिल जाएगी सर। हाँ। और वो 50 करोड़ भी मिल जाएंगे। अच्छा मैं आपको 10% कमीशन दूंगा सर। वेट सर, 10% का मतलब तो 5 करोड़ होता है, जरा सोच समझ कर बोलिए। सर मुझे 50 करोड़ मिल रहे हैं तो 5 करोड़ आई विल गिव यू सर। बात तो ये भी सही है, अगर मुफ्त में 50 करोड़ मिल जाए तो 5 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है। सर आप एक क्वेश्चन पूछ लीजिए सर। भाई वाई क्वेश्चन? यू आर ऑलरेडी अपॉइंटेड, नाउ हाथ चलाओ। थैंक यू सो मच सर। हेलो सत्या, मैं एक मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। सत्या किसका फोन था? लवर थी क्या? हाँ सर। तो बात करनी चाहिए थी ना। हम बिजी हैं, ऐसा बिल्टअप देना चाहिए तभी तो इज्जत मिलती है। करेक्ट कहा तुमने, होशियार रहना चाहिए। आओ। हाँ, करेक्ट सर। इस एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में मेरा बताना जरूरी नहीं है, आपको पता है हमारे साथ कितने लोगों ने बिजनेस शुरू किया और कितने ही सर्वे कर रहे हैं। Not even 50% people are survive. Hey, मैं बॉस के साथ मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। तुम्हें देखे कितने दिन हो गए हैं। क्या तुम ही तो मुझे नौकरी पर जाने के लिए टॉर्चर कर रही थी ना? अभी मैं मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, अभी कट करो। सर अर्जेंटली 50,000 रुपए दीजिए। अपनी डील में ये सब नहीं है। सर आप मुझे पैसे दोगे तभी तो मैं उसको दिखा सकता हूँ ना कि मैं नौकरी पे हूँ। और फिर आपको रुक जाइए, आगे मैं बताता हूँ। जब आप पगार लेकर अपनी लवर के पास जाओगे तभी वो अपने पापा के पास जाकर आपका परिचय करवाएगी, उसके बाद ही आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, और करेक्ट करने के बाद ही आपको 50 करोड़ की जायदाद मिल पाएगी, और आपको 50 करोड़ की जायदाद मिलेगी तभी तो आप मुझे 5 करोड़ रुपए देंगे। बेवकूफ। आप मुझसे यही कहने वाले थे ना? सर आप तो बहुत ब्रिलियंट है सर। ये सब आपसे मिलने के बाद ही हुआ है। जरा रुकिए,
50,000 संभाल कर सर, बिग फॉर्चून सर, मिस मत करना। दिस इज माई फर्स्ट मंथ सैलरी 50,000। 50,000? या अब तुम्हारे पिताजी से मिल सकते हैं ना? श्योर, कल ही मिलवाती हूँ। दामाद जी, आप गलत पैर अंदर रख रहे हो। पहली बार घर के अंदर आ रहे हो, दायां पैर आगे करके अंदर आइए ना दामाद जी। गन के साथ खड़ा है। अरे अरे, बंदूक देख के डर गए क्या? डरिए मत दामाद जी, निशाना लगाते समय ये गड़बड़ करती है, इसलिए तो इसकी सर्विसिंग कर रहा हूँ। दामाद जी, ये साधारण बंदूक नहीं है, हमारे पूर्वजों के जमाने से ये बंदूक हम लोगों को बचा के रखे हुए। ऊपर आ जाइए। अरे ऊपर आ जाइए ना। हाँ हाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ। बेटी ने बताया था दामाद जी कि आपने नौकरी ज्वाइन कर ली है, बहुत खुशी हुई मुझे। थैंक्स। आप बैठिए। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। इज्जत दिल से की जाती है, मैं कह रहा हूँ ना, बैठिए आप, बैठ जाइए। जी साहब, दामाद जी के लिए जूस लेकर आओ। ठीक है साहब। दामाद जी, नौकरी करने वाले लड़के को ही लड़की दूंगा, ऐसा मैंने उसको बोला था, तो इसमें बुरा मत मानना। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अंकल। परंपराओं से जो जायदाद हम संभालते आ रहे हैं और जिन नाजों से हमने बच्ची को पाला, उसे हम किसी हैरी गैरी को तो नहीं दे सकते ना। लेकिन आप मुझे बहुत पसंद आए दामाद जी। थैंक्स अंकल। अंकल, जब मैंने आपको पहली बार देखा तो आपके बारे में गलत सोचा, लेकिन आप तो टोटली डिफरेंट हो अंकल। आजकल के बच्चे मेरी शक्ल देखते मुझे इज्जत दे देते हैं, क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ? विलन की तरह हंस रहा है। देखा दामाद जी, पापा पानी मांगता है तो लेकर नहीं आती है, लेकिन आपके लिए तो खुद जूस लेकर आ गई। आपसे बहुत प्यार करती है ये। कुछ ऐसा वैसा बोलकर गड़बड़ मत कर देना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथली चल रहा है, मैं देख लूंगा। ये पापा को सब कुछ बता देंगे। पापा को? तो फिर ये यहाँ कैसे आ गए? आइए मालिक, दामाद जी आए हैं। तू इधर कैसे आया? सर वो, आप दामाद जी को पहले से जानते हैं क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। दामाद जी, आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। हाँ। पापा, आपको बताया था ना, यही वो सत्या है। क्या? अरे, मेरी बेटी से प्यार करता है और मुझे कमीशन देने की बात करता है, इतनी हिम्मत तुम्हारी? सर आपकी बेटी है ये। गेट आउट, बाहर निकाल। सर मैं आपको चीट नहीं कर रहा हूँ सर। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे इसके बारे में नहीं पता बेटी, ये बहुत बड़ा चीटर है। ए, उठा के बाहर फेंको। मालिक, आप ये दामाद जी को क्या बोल? क्या दामाद? कैसा दामाद? उठा कर बाहर फेंको। अच्छा तो ठीक है, सीट कर ले जाओ। चल बाहर चल। सर प्लीज सर मेरी बात तो सुनिए सर, सर प्लीज मुझे बताने का मौका तो दीजिए, देखना इनकी बातों पर यकीन मत करना। सर मुझे एक बार बताने का मौका दीजिए। ये सब क्या हो रहा है? क्या पता उसके बारे में? बताया उसने क्या किया? उसने मेरे साथ चीटिंग की है। तुम मेरे पापा से मिल चुके थे ना? तुम्हारे पिताजी हैं। मैं सिर्फ एक वजह से तुमसे अब तक बात कर रही हूँ, वरना मैं तो कब का तुम्हें छोड़ चुकी होती। सॉरी मेघना। अब तुम्हारी सॉरी का कोई फायदा नहीं होने वाला, मेरे पापा मेरी शादी कहीं करवा देंगे। गलती तुमने की है, लेकिन मुझे घर में सर झुका कर रहना होगा। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम अगर मुझसे सिंसियरली प्यार करते हो तो अपने लिए एक नौकरी ढूंढो और पैसे कमाओ, और अगर दोबारा मुझे चीट किया ना तो मैं भी नहीं जानती कि मैं क्या कर बैठूंगी। बट स्टिल मैं तुमसे सिंसियरली प्यार करती हूँ। फिर मैंने सिंसियरली नौकरी ढूंढना शुरू किया, लेकिन मेरा बैड लक कि मुझे नौकरी मिली ही नहीं। फिर काफी भटकने के बाद अंत में मुझे बैंगलोर में एक बड़ी कंपनी में काम मिला। सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मेघना के पापा को कन्विंस करने के लिए मैं निकला था, लेकिन इन लोगों में फंस गया, और वहां बेचारी मेघना मैं आ रहा हूं इसलिए वेट कर रही है। सर मैं एक बात पूछ सकता हूँ क्या? 6 बजे के अंदर आपको पहुंचना है, मैडम वहां आपका वेट भी कर रही होंगी।
लेकिन मैटर क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। आज उसकी शादी है बॉस। सर ये आप क्या बोल रहे हैं सर, आपने ये बात इतनी देर से क्यों बताई, आपको पहले ही बताना चाहिए था ना। मैं तो सोच रहा था छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी। सर आप लोग बताइए सर, इनको हम लोग अभी भगा दें क्या? सर मुझे काम नहीं मिलेगा तो दूसरा मिल जाएगा, लेकिन आप उनको मिस मत कीजिए। हाँ यहाँ से आप एस्केप हो जाइए। सर यहाँ मुझे कोई भी 300 रुपए देगा तो मैं भी। आप रुकिए मैं देता हूँ ना। ठीक है भाई आप उनसे जरूर मिलेंगे, पहले आप ही यहाँ से निकलना। हाँ भाई पहले आप ही निकलना। भैया आप कुछ बताइबो का? सर फिल्म में जो उन स्टोरी दिखाई जाती है वो तो हिट हो जाती है, ये तो सच्चा प्रेम कहानी है, हम जरूर जीतेंगे सर। आपने कुछ नहीं बोला, कुछ बोलिए ना, सबने तो हाँ बोल दिया है और आप तो बैठ के सिर्फ दाढ़ी खुजा रहे हैं। आप प्यार वाली फिल्में तो देखते होंगे, बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी है ना जिसमें दोस्त अपने दोस्त का प्यार दिलाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। बॉस आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। बॉस मैं अपनी जान देकर भी इस प्यार को मिलवाऊंगा और अपने हीरो का नाम रोशन करूंगा। पुलिस को हम लोग डाइवर्ट कर लेंगे, आप भाग जाना ठीक है? ओके बॉस। ओके क्यों चिल्ला रहे हो, कोर्ट जाने का टाइम हो गया, चलो सब लोग। सर एड्रेस गलत बताना। ओके बहन जी गाड़ी में बैठिए। आइए ये आने का टाइम है क्या, इतने लेट कैसे हो गए? आओ जल्दी। नमस्ते नमस्ते। आइए लेके जाना है। मैं चलती हूँ अंकल। ठीक है बेटी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुमने किस पर भरोसा किया, मैंने जिसके साथ शादी तय की है तू उसी के साथ शादी करेगी। मैं अपना फैसला बदल कर अपनी नाक नहीं कटवाऊंगा, क्योंकि मुझे तेरे प्यार से बढ़के खानदान की इज्जत प्यारी है। यह आखिरी फैसला है, मैं मंडप में जा रहा हूँ, तू भी ड्रेस चेंज करके आ जा। जल्दी आओ जल्दी आओ। इधर नाम बता। कुट्टीपुली। एड्रेस बोलो। चेन्नई 28। चल तेरा नाम क्या है? आर भास्कर 8x7। हाँ। वेलन नगर विरुगम बाकम। लंबाई लगभग 5.5 फीट। हाँ। रंग सांवला और पतली बॉडी। चल निकल। हाँ। नाम बोलो। सतीश है मैम। तेरी हाइट क्या है रे? यार चोर की तरह देख रहा है, अपनी हाइट बता। 4 फुट। चल जा ज्यादा देख मत। तेरा नाम क्या है? राजशेखर। राजशेखर एड्रेस बोल। नंबर 15 राजेंद्र स्ट्रीट गांधीनगर पौंडीचेरी। 5.5 फीट रंग गोरा। चल। मेरा नाम मद्रा। चल नाम क्या है? मेरा नाम विमल। विमल रंग सांवला। क्या हुआ? धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। मेरी अपनी माँ मुझे हमेशा कालिया कालिया कहकर पुकारती थी सर, लेकिन जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे सांवला कहा है। बहुत बहुत थैंक यू सर। नौटंकी बंद कर। चल मारो मत सर, मारो मत। चल मुरारी ठेके वाला। एड्रेस बता। ए गाड़ी आ गई क्या सर? सारी डिटेल्स नोट कर लिया ना? हाँ सर। ए जल्दी जल्दी को, गाड़ी आ गई। क्या बोल रहे हो बॉस? सारा प्लान रेडी हो गया ना? क्यों सर, वैन में जाने की बात हो रही है, ट्रेन में लेकर नहीं जाएंगे क्या? ए ट्रेन से लेकर जाएंगे, कहीं तुम लोग भागे तो क्या करेंगे, इसीलिए वैन से लेकर जा रहे हैं। सुपर सर। बॉस ये लोग हमें वैन में लेकर जाने की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? अब मैं यहाँ से कैसे भागूंगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। हे आप तो मैकेनिक हो ना, कोई ना कोई प्लान तो बनाओ। सर मैकेनिक कैसे प्लान बना सकता है? शी आखिरी समय में ऐसा होगा हमने सोचा ही नहीं था, आप लोग को सोचो यार। एक मिनट, ए तू चोर है ना है? तो कोई आइडिया निकाल। समझ नहीं आ रहा इसलिए तो सर खुजा रहा हूँ मैं। हे देखो जो कुछ भी हमें करना है कोर्ट पहुँचने से पहले करना होगा। हाँ। उधर पुलिस और क्राउड बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए हमें रास्ते में ही कुछ करना पड़ेगा, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बॉस कोई तो आइडिया निकालो बॉस, प्लीज बॉस। एक मिनट सर, एक आइडिया। भाई पिक्चर देखी क्या, कैसी लगी? अरे मैं पिक्चर देखने नहीं गया, मुझे रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया है। क्या बोल रहे हो भाई? मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुन। ठीक है भाई। ओके 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 हो गया बॉस। ओके बॉस आपको किसी भी तरह से हम भगा देंगे। हाँ ओके थैंक यू। हाँ क्या बातें हो रही हैं? हम लोग बिछड़ने वाले हैं ना, इसीलिए एक दूसरे का ऑटोग्राफ ले रहे हैं। नाटक कर रहा है? चलो लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ। हाँ सर।
ए, सबको लाइन से गाड़ी में बैठाओ, चलो चलो चल चल, अरे लेके जाओ लाइन से, लाइन से, ए, ए, चलो लाइन से, चलो जल्दी चलो 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 जल्दी चलो जल्दी, दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर, चलो चलो चलो। सुनिए, आपका दोस्त आ जाएगा ना? जरूर आएगा, एक मिनट रुको। हेलो, हाँ बोलो भाई, किधर है तू? ऑन द वे हूँ भाई, हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। ओके भाई, जितनी जल्दी हो सके तू जगह पर पहुँच। हाँ बस आ रहा हूँ भाई। बस लड़का आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ से तुम्हें कैसे भागना है वो प्लान अगर पक्का हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या बोलते हो? सब लोग सोचो, कोई भी आइडिया दे दो ना। तू चोर है ना, तू उस ताले को खोलना। अरे अगर ताला अंदर होता तो मैं कब का तोड़ दिया होता, बाहर है तो कैसे तोड़ूं, बोलो। बॉस एक काम करते हैं, हम लोग आपस में लड़ाई शुरू करते हैं, तब पुलिस आकर दरवाजा खोलेगी, फिर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ए पेंटर, तुझे और कोई आइडिया नहीं मिला क्या? तू चुप रह, मेरे पास आइडिया है। अब क्या करेंगे? सुनो भाई, ए डायरेक्टर, सब लोग यहाँ से निकल सके ऐसा कोई सीन बता। एक इंग्लिश फिल्म में इसी तरह से हीरो को किडनैप करके ले जाते हैं और वो हीरो वैन के होल से बाहर निकल जाता है। अगर इस वैन में भी उसी तरह से होल होगा तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। सही कहा ना? अपना दिमाग कहीं भी नहीं चला पाओगे, तू हमेशा उल्टा सोचता है। पहले ढूंढो होल कहाँ है। देखो सब लोग शांत हो जाइए, लड़के का फोन आया है। अरे किधर है तू भाई? आप कौन सी गाड़ी में हो? अरे तू क्या बोल रहा है, हम सब तो एक ही गाड़ी में जा रहे हैं। भाई जरा बाहर देखो तो। तू लाइन पे रह, मैं देखता हूँ। बॉस जैसे आतंकवादियों को लेकर जाते हैं वैसे हमें लेकर जा रहे हैं बॉस। अरे 300 रुपए फाइन के लिए हमें आतंकवादी क्यों बना रहे हैं ये लोग? यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सच कह रहा हूँ। ए फोन रख, बाद में बात करता हूँ। ठीक है भाई। शह ये पुलिस वाले बड़े होशियार हैं यार, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं यार। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जो गाड़ी जा रही है उसमें इंस्पेक्टर विलियम्स जा रहे हैं और पीछे जो गाड़ी आ रही है उसमें हवलदार लोग हैं, ये हमें अच्छे से पता है। अगर हमने विलियम्स को डिस्टर्ब कर दिया तो हम आसानी से भाग सकते हैं। ए भाई। हाँ भाई। आगे जो जीप जा रही है उसको पंचर कर दे। ओके भाई। चलो उसका पीछा करो, तुम जल्दी से गाड़ी रेडी करो। ए मैकेनिक, इसे खोलेंगे कैसे? क्या पता बॉस, मेरे पास कुछ है। हाँ बढ़िया, सरकारी हथियार फेल नहीं होता। तू बाहर में, फिल्म में चांस देता हूँ। क्यों शोर मचा रहे हो? हे, तू जाके पुलिस वाले को संभाल। जा सर, गाड़ी नहीं निकालोगे क्या? ए, तुम्हारे कहने से गाड़ी नहीं निकालेंगे, इंस्पेक्टर साहब आएंगे, पंचर बनेगा, स्टेपनी लगेगी, उसके बाद गाड़ी निकालेंगे। चुपचाप अंदर बैठे रहो। तेरी स्टेपनी तो मैं निकालूंगा। समझ में नहीं आया? स्टूपिड नॉनसेंस। अंदर कौन आवाज कर रहा है? एक बार बोलने में समझ में नहीं आता, तुम लोग आवाज क्यों कर रहे हो? उसे कुछ भी बोल के संभाल ले जा। हम आवाज नहीं कर रहे हैं सर। अगर दोबारा आवाज की ना तो तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ए, ये इंस्पेक्टर साहब इतनी ईमानदारी क्यों दिखा रहे हैं? बीच रास्ते पर छोड़कर चले गए ना चाय ना पानी। चलो हम लोग चाय पीते हैं। ए भाई तुम इनका ध्यान रखना, भाग ना जाए। सर क्या यार, ढक्कन खुलते ही भूत निकला। गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, क्या कर रहे थे तुम लोग? अबे ये पुलिस की गाड़ी है। पुलिस की गाड़ी? हाँ। और आप लोग? हम सब लोग कैदी हैं भाई। कैदी हो? हाँ। सुनना,
अपने रास्ते से हमारे एक दोस्त को लेकर जाओ ना। अच्छा, मुझे ही पुलिस में फंसाना चाहते हो? hey, तू ऑलरेडी पुलिस की गाड़ी में ही है। चिल्लाऊंगा तो पुलिस तुझे पकड़ लेगी, और मैं चिल्लाऊंगा नहीं तो तू इसे लेकर जा। सोच ले ठीक से। सिर्फ एक ही को ना? हाँ, सिर्फ एक। वो कौन है? ये इसको ले जाने में खर्चा होगा, चलेगा ना? अबे तू इसे बेंच कार में लेकर जाएगा क्या? ऐसे ही लेकर जाना? हट, अंदर आ, पता चलेगा। ए चल, आजा, आना। हैप्पी मैरिज। शादी मुबारक हो। सब लोग यहाँ से निकलते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ तू निकल जाएगा तो कुछ गलत नहीं है। सब लोग निकल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी यार। सोच मत, निकल निकल। अच्छा, अपना मोबाइल नंबर देखे जा। 7299705077 चल, निकल। ओके, बाय, थैंक यू। संभल के, संभल। आना क्या कर रहा है? ओके, बाय, मिलेंगे। ए, गाड़ी में कितने लोग हैं जाके चेक करो। ओके सर। पंचर करता है चूहे की औलाद। हाँ, एक दो तीन चार। ए, एक कहाँ गया? पांडिचेरी वाला कहाँ गया? पता नहीं सर। हाँ, तुमने भगा दिया उसको? एक एक को देख लूंगा सर। वो पांडिचेरी वाला भाग गया सर। भाग गया? ए, अब कोर्ट नहीं जाएंगे। गाड़ी को वापस ले चल। गाड़ी निकाल। ए, गाड़ी को स्टेशन लेके चल। ए, चलो सब लोग अंदर। क्यों रे, तुम लोग धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? चल, दोस्त को भगा दिया तुम लोगों ने, आज तुम्हारा दिवाला निकालता हूँ। सर, अंडा बिरयानी। चल। ए, चल, हट। हाली पीली मारता रहता है। सारा खेल तो चौपट हो गया बॉस, अब क्या करेंगे हम लोग? हम सब ने मिलकर फैसला किया था ना, शांत रहे। ए, तुम लोग नीचे नहीं बैठ सकते? जल्दी से बैठ। ए, कहाँ गया वो? पूछ रहा हूँ ना मैं, कहाँ गया वो? यहाँ है वो। चाहे जान भी चली जाए, दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए, ये हमारा स्लोगन है सर। चाहे दो टुकड़े कर दो, जिसका नमक खाया कभी गद्दारी नहीं करूंगा उसके साथ। ये तो मुझे कहानियां सुनाने लगा। ए, बता, पता नहीं सर, कैसे पता नहीं। ए, जल्दी बता, हम लोग खुद पहली बार इंक्वायरी कर रहे हैं। ए, मजाक उड़ा रहा है क्या? ए, जब तक बोलेगा नहीं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। अच्छा होगा शराफत से बता दो, नहीं तो वो हश्र करूंगा तुम लोगों का कि फिर कभी ऐसा करना ही भूल जाओगे। ए, मोटे, तू बता। नहीं नहीं, शराफत से बताएगा या वैन की होल से गटर के रास्ते से भाग गया सर? तुम लोगों ने वैन से उसको भगा दिया, इतने इंटेलिजेंट हो क्या तुम लोग? फोन कर उसको, फोन कर। फोन करने के लिए बोला ना मैंने? मेरे पास फोन नंबर नहीं है सर। फिर किसके पास है? इसकी तो भास्कर सर के पास है। यहाँ भास्कर कौन है? ये जी सर। अच्छा, तो तुम भास्कर हो? जी सर। फोन कर उसको। फोन में बैलेंस नहीं है सर। बैलेंस नहीं है? ए, इसे नंबर लो और उसे फोन करो। ए, नंबर दे। नहीं सर, मैं खुद ही करता हूँ। ए, अभी बोला कि बैलेंस नहीं है? नहीं सर, जियो टू जियो फ्री सर। हाँ, बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ी है। फोन कर उसको। सॉरी सर, कुछ गलत बोला क्या? हेलो सर, आप भाग गए हो, ये बात पुलिस वालों को पता चल गई है। हम लोगों को वापस थाने लेकर के आ गए हैं। ये क्या बात कर रहे हो बॉस? इसलिए बोल रहा हूँ कि वापस मत आइएगा, हम लोग संभाल लेंगे। सर, आपके लिए प्यार जरूरी है, कोई प्रॉब्लम होगी हम लोग संभाल लेंगे, आप आराम से जाइए। बाकी की डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप जाइए सर, ठीक है? ए, मैं उसको इधर बुला रहा हूँ और तू उसको जाने के लिए बोल रहा है? तेरी इतनी हिम्मत? ए, वो फोन उठा। इसके ऊपर मुझे पहले से ही शक था सर, पता नहीं बेचारे का क्या होगा। सर, उस लड़के को ढूंढते हुए एक लड़की आई है सर। लड़की आई है? ए, आजा। सर,
मेरा नाम मेघना है, पौंडीचेरी से आ रही हूँ सर। सत्या से मिलना था। क्या बात है बताइए। वो जब तक आप बताएंगे नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। सर मैं बताती हूँ सर, मैं और सत्या एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। सर मैं भास्कर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भास्कर। मैडम आपको ढूंढती हुई थाने आ गई हैं। विलियम से बात कर रही हैं। आप अभी पौंडीचेरी मत जाइए, यहाँ की सिचुएशन देखकर मैं आपको फोन करता हूँ। हाँ ओके भास्कर। ठीक है सर। तो डरपोक है मैं जानता था, लेकिन इतना डरपोक है ये नहीं जानता था। सॉरी बॉस। छोड़ो डायरेक्टर, ये डर गया था इसलिए बोला, आगे की सोचते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जरा उसको फोन कीजिए। क्यों सर, वो यहाँ नहीं है क्या? था, अब नहीं है, इसीलिए तो फोन करने के लिए बोल रहा हूँ। किसका है? उसी का फोन है। उठाओ। जब तक वो यहाँ नहीं आएगा तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। ए, तुम्हें वहां जाने के लिए किसने बोला था? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ए, 10 मिनट के अंदर तुझे यहाँ आना है, अगर नहीं आया तो खुद समझ लेना। ए, जब तक वो यहाँ नहीं आता इसे यहीं बैठा के रखो। ओके सर। चलो मैडम। मैडम क्या है? अरे आप तो नहीं, उनको। ये भगवान। मैडम मैडम आपसे कह रहा हूँ, आप दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छी है। सुपर। आप चिंता मत कीजिए, ये रेलवे पुलिस वाले हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। सब के सब ठरकी हैं। उनको हम ही लोगों ने भगाया था, लेकिन आप जल्दबाजी में यहाँ क्यों आ गई? और कोई रास्ता समझ ही नहीं आया। मैडम जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सब लोग संभाल लेंगे। लगता है सर आज इनको नहीं छोड़ने वाले। ए, ये तो वापस आ गया। एक बार तुमने डरने की एक्टिंग की होती तो तुमको तभी छोड़ देते। एक बार जाकर माफी मांग लो, छोड़ने के चांसेस बहुत हैं। जाओ। अभी मैं आ गया हूँ ना, आप चुप रहिए। जाइए सर जाइए। ए, तुम्हें अकल नहीं है, तुम यहाँ क्यों आ गई? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आऊंगा। तुमने कहा था तुम आओगे लेकिन तुम आए क्या? हाँ तो क्या, एटलीस्ट फोन तो किया होता, उल्टा फोन ऑफ करके बैठे थे। मैंने बताया था ना कि मैं स्टेशन में हूँ, समझ में नहीं आता है क्या? और तुम्हें समझ में आया क्या, वहाँ मेरी शादी होने ही वाली थी, रुक जाती तो पता है क्या हो जाता। तुम नहीं आए इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मतलब तुम्हें यकीन नहीं था कि मैं आने वाला हूँ? तुम पर यकीन है इसलिए इतने दिन वेट किया। मेरी सिचुएशन तुम समझ रहे हो क्या? इतने लोगों ने मिलकर मुझे क्यों भगाया पता है? तुमसे मिलाने के लिए, और तुमने इन सबको फंसा कर मुझे भी हरा दिया। अपने बाप के पसंद के लड़के से शादी कर लो। और हमारा प्यार हार जाता, इसकी फिक्र नहीं है तुम्हें? मुझे मेरे लिए आत्मसम्मान जरूरी है। हाँ। क्यों मैंने इस लड़के से प्यार कर लिया, स्टुपिड। तो पता चल गया ना, अब जाओ जाकर बाप के पसंद के लड़के से शादी करो। यह क्या बॉस, फिल्मों की कहानी जैसी लग रही है, बिछड़ जाएंगे तो क्या होगा? मुंह बंद रख, हमेशा अशुभ बातें बोलता है। अपने बाप की तरह ही है ये भी। ए, मेरे पापा के बारे में कुछ कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। तो क्या करोगी तुम? क्या करोगी? अरे भागेगा तो तुझे छोड़ दूंगा क्या? आरपीएफ वालों को बेवकूफ समझा है? अभी क्या प्रॉब्लम है सर, ₹300 फाइन भरनी है ना, बस इतना ही ना, कोर्ट में लेकर चलिए ना, भर देता हूँ। ए, तुम लोगों से ₹300 फाइन लेकर छोड़ देते हैं, इसीलिए हमें चिप समझते हो ना? तुम लोग जिस साधारण लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को देख के डरते हो ना, वो भी शूट करने से पहले हायर ऑफिसर से परमिशन लेते हैं, लेकिन आरपीएफ में ब्लू स्ट्रिप्स पहने हुए नॉर्मल कांस्टेबल भी किसी को भी शूट कर सकता है, पता है तुझे? ए, आज किसी को भी कोर्ट में हाजिर मत करना। अरे ऐसा क्यों कर रहा है यार? ये सब लोग भाग गए हैं, ऐसी रिपोर्ट लिखो, कल पकड़ लिया है रिपोर्ट बना के हाजिर करेंगे, 1 महीना अंदर रहेंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। ज्यादा बोला ना तो ट्रेन में बम रखने आया था ऐसा बोल के गोली मार दूंगा। ए, इसको अंदर डाल। ए, चल। बस हो गया, यही चाहती थी ना तुम, अब तो बहुत खुश हो ना? चल अंदर। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ऐसी लड़की से मैंने प्यार किया, आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है। तुम मुझे जानती हो ना, मैं तुम्हें किसी ट्रेन के नीचे जाकर मर जाओगी ना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जाओ जाओ यहाँ से।
तू शुक्र मना कि उसके बारे में तुझे पता चल गया। जाओ, तुम्हारे बाप ने जिसे शादी फिक्स की है उसे शादी करके खुश रहो। जाओ। आपके पैर पड़ता हूँ मैडम, मैडम प्लीज मैडम दरवाजा खोलिए। ठीक है, सिर्फ तुम बाहर जाओ। ओके ओके ओके, थैंक यू। जाने के लिए किसने बोला? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। मैं वहाँ आकर तुमसे झगड़ा करूँगा, तुम जोर से रिएक्ट करना, तुम समझ गई? हाँ। भास्कर, अगली ट्रेन कब है? 5 मिनट बाद। और 5 मिनट बाद सतीश, ट्रेन साउंड सुनते ही मैं मेघना को SMS करूंगा और वो भागना शुरू कर देगी। आप सब चिल्लाना कि वो सुसाइड करने वाली है। पुलिस को कंफ्यूज करके यहाँ से सब भाग जाएंगे। यस। चलो 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 जल्दी, चलो चलो अंदर, चलो जल्दी चलो। बहुत अच्छा प्लान था, और क्या एक्टिंग की तुमने। वो तो ठीक है, तुम ड्रामा करने की बजाय पटरी पर क्यों भाग रही थी? जो भी करना हो रियल लगना चाहिए ना। क्या बात है। अच्छा, उन लोगों ने हम दोनों की कितनी मदद की, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए ना। इस वक्त वो लोग भी एस्केप हो चुके होंगे। ए, पकड़ो उन लोगों को। सर, लड़का लड़की इस तरह भागे, चोर लोग इस तरह भाग गए, हम दोनों भूत की तरह यहाँ खड़े हैं सर। अब हम लोगों से कौन डरेगा सर? आज ही विलियम्स हार गया, लेकिन कभी ना कभी जीतेगा जरूर, इसकी हम उम्मीद करते हैं। Ha 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 ha